चलिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम पर मैं <coughs> गुड इवनिंग सर मैं डीपी के लिए क्लास ले सकता हूँ बिल्कुल ले सकते हो रावत बिल्कुल ले सकते हो और रात को नौ बजे भी क्लास होती है अब तो स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए भी लग गई है बाकी और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए भी होती है आपकी नौ बजे वाली जो है तो उसको ले सकते हो ठीक है इसको भी ले सकते हो ये तुम्हारी ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए है जो होती है पाँच बजे क्लास ठीक और आज रात नौ बजे क्लास अगर ना हो तो परेशान ना होना क्यों अगर ना हुई आज तो फिर कल होगी क्यों क्योंकि यहां पे मैराथन होगी इस स्टूडियो में आठ बजे से तो मेरी क्लास नहीं लग पानी की है एक बार आप देख लेना ठीक है तो अगर हुई तो बहुत अच्छी बात है ना हुई तो कल संडे को करेंगे वो एस वाली क्लास नौ बजे ठीक है तो चलिए आ जाइए आप सभी लोग गुड इवनिंग आप सभी को फिर स्टार्ट करते हैं और तुम्हारी लेखपाल की डेट भी आगे बढ़ गई है इकतीस हो गई आई थिंक है ना इकतीस जुलाई तो देखो वो यूपिटर पल एस है पहले ही बोला था कि वो पंचवर्षीय योजना है बिल्कुल प्योरली एक वो अभी तक लेखपाल के 2016 में कोई भर्ती हुई थी उसके बाद अभी तक मुझे लगता है कोई भर्ती हुई ना है जिसका पेपर वेपर हुआ हो तो उधर अपना मन ना ध्यान लगा के एसएससी की तरफ लगाओगे तो जल्दी जॉब मिलने के चांसेस हैं और एस एस इस टाइम फास्ट मोड में है तो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर का जिसने फॉर्म भर दिया है वो ठीक ए अब जो ये एडब्ल्यू टीपीओ और ये ड्राइवर वगैरह के फॉर्म निकले हैं इनको ढंग में भर देना ठीक है बाकी एसएससी की तरफ से मिल ही सकती है चलिए जुलाई 2022 में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया रुचिरा कंबोज क्या लगता है या फिर तरनजीत सिंह संधू या फिर आसफ अली या फिर सुधाकर दलेला क्या लगेगा एक राइट आंसर जरा बताइए इसमें से जुलाई 2022 में भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है क्या लगता है भाई रुचिरा कंबोज तो मुझे नहीं लगता ठीक है जरा बताओगे या फिर संधु है अली है या फिर दलेला है कौन एक राइट हो, होगा ठीक है एस एस सी के हैं ओके चलिए रेलवे भी रेलवे में भी लग जाएंगे बहुत अच्छा रेलवे में आप लग जाओ बट रेलवे टाइम ले रहा है भैया बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ठीक है एस एस सी इस टाइम बिल्कुल स्मूथली सही चल रहा है पिछले एक साल से आप कह सकते हैं चलिए बताइए इसमें से कौन सा एक राइट आंसर होगा वेरी गुड डी वाले बहुत अच्छा आंसर है कई सारे बच्चों का ठीक है बहुत बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिस जिसने यहां तक दिया ओके बहुत बहुत बढ़िया एक नंबर आंसर है कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया है रुचिरा कंबोज इज द राइट आंसर नहीं है रुचिरा क्यों दे रहे हो रुचिरा थी पहले देखो पहले कौन थी भूटान की ध्यान रखोगे भूटान की राजदूत ये थी थी अब ये कहां चली गई है ये यूनाइटेड नेशन में चली गई है ध्यान रखोगे भारत की स्थायी सदस्य हो गई हैं वहां पर ठीक है याद रखोगे भारत की स्थायी सदस्य बन के वहां पर गई है यह चीज ध्यान रखना तो रिचिरा कंबोज गई आए कौन उनकी जगह आए ये सुधाकर दलेला तो यानी कि अब वहां के राजदूत कौन हो गए हैं ये हो गए हैं कहा के भूटान के ये चीज आप नोट डाउन कर लेना क्लियर हो जानी है भाई पहले कौन थी अगर आपसे पूछता है ठीक है अगर आपसे पूछे कि पहले कौन थे तो आप बताओगे ए ठीक है क्लियर हो जाती है समझ गए और अब सुधाकर दलेला ठीक है हमारे यहां तक बात समझ में आई ये आई एफ एस अधिकारी है उन्नीस सौ इक्यानवे बैच के ठीक है ये भी चीज आप ध्यान रखना क्लियर है भारतीय विदेश सेवा याद रखोगे ये याद रखना आप ठीक है क्लियर हो जाती है भारतीय विदेश सेवा भारतीय विदेश सेवा के कौन से अधिकारी हैं ये उन्नीस सौ इक्यानवे बैच के हैं हालांकि आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये किस बैच के हैं बहुत रेयर चांसेस है ये पूछा जाए ठीक अच्छा अब नेक्स्ट आता है हम कहते हैं भूटान भूटान को हम क्या बोलते हैं अगर आप से देखोगे तो भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर वॉल्ट ठीक है याद रखोगे क्या बोलते हैं उसको लैंड ऑफ थंडर वॉल्ट बोलते हैं ये चीज आप नोट डाउन रख लेना ठीक है भाई लैंड ऑफ थंडर वॉल्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गांखर पुंसुम यह याद रखोगे कौन सी है गांखर पुनसुम इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसकी भूटान की यह चीज भी आप नोट डाउन रख सकते हो क्लियर हो जाती है गांखर पुनसुम इसकी यही है सबसे ऊंची चोटी लैंड ऑफ थंडरवोल्ट इसको बोलते हैं यह चीज आप नोट डाउन कर लोगे ठीक है अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं अभी एनआईए के प्रमुख है ना एन के प्रमुख कौन बने हैं अगर मैं आपसे पूछने लगूं तो दिनकर गुप्ता का नाम बताओगे याद रखना कुछ दिन पहले हम पढ़े थे ना दिनकर गुप्ता का नाम आप आंख मीच के बता दोगे क्लियर हो जाएगी यहां तक ये आप नोट डाउन रखोगे किसके बारे में पहले तो ये भूटान से रिलेटेड चीजों को नोट डाउन रखना और बाद में वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा खेल जेंटलमैन गेम के रूप में जाना जाता है जरा बता सकते हो कि जेंटलमैन गेम के रूप में किसको जाना जाता है जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर ठीक है जरा बताओ भाई कौन बच्चा बताएगा हाँ जी दिनकर गुप्ता हो गया ठीक है चलिए जेंटलमैन गेम सत्रहवीं सेंचुरी में कौन सा खेल स्टार्ट हुआ था सत्रहवीं शताब्दी में अगर हम देखें तो है ना सत्रहवीं शताब्दी में कौन सा खेल स्टार्ट हुआ था आपको पता है क्रिकेट गेम स्टार्ट होता है ठीक है अंग्रेजों के द्वारा इसको क्या कहा जाता है इसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है चीटिंग बहुत कम होती है ये चीज ध्यान रखना पहले तो इसमें चीटिंग कम है दूसरे को बॉल बहुत कम मारते हैं यानी कि शरीर पर बॉल मारा जिसको बोलते हैं ना क्या बोलते हैं शरीर पर बॉल मारना हालांकि फिर भी शोएब अख्तर जैसे कभी कभी ठोक देते थे है ना तो ये फिर भी कम मारते हैं ये बात ध्यान रखना शरीर पर बॉल मारना याद रखना ठीक है ये कम मारते हैं ये बात ध्यान रखना ठीक है चलिए इस कारण इसको क्या बोलते हैं जेंटलमैन गेम बोलते हैं क्रिकेट को मिशन जीवन रक्षा मेरी सहेली ऑपरेशन अमानत देखो इस क्वेश्चन में तीनों ही चीज है ठीक है मिशन जीवन रक्षा मेरी सहेली ऑपरेशन अमानत निम्नलिखित में से किसकी पहल लगती है क्या लगेगा ये एक इसमें से दीजिए क्या आपको लगती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सीआईएसएफ सीआरपीएफ या फिर दिल्ली पुलिस किसकी ये है किसने चलाई थी ये जरा बताइए इसमें से क्या लगेगा मिशन जीवन रक्षा मेरी सहेली या फिर ऑपरेशन अमानत क्या लगता है एक राइट आंसर दीजिए गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा <coughs> बहुत अच्छा संजय कोहली आरपीएफ वेरी गुड किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पढ़ा है क्वेश्चन यानी कि हमें याद रहेगा ये कम से कम तीन चार महीने पहले हमने पढ़ा था अप्रैल के आसपास बहुत अच्छा वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिसने भी यहां तक दिया है <coughs> बहुत, बहुत बहुत बढ़िया एक नंबर आंसर है <coughs> बहुत, बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिस जिसने यहां तक दिया है मिशन जीवन रिक्शा सभी बच्चों का ठीक है ओके okay. <coughs> बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर जिस जिस बच्चे ने यहां तक दिया है आरपीएफ इज द राइट आंसर देखो अगर मैं रेलवे की तुमको बात करता हूं कभी भी पेपर में पूछा जाए रेलवे के बारे में बताओ ऐसा है रेलवे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कभी आप रेलवे पुलिस फोर्स समझने लगो नो no. ठीक है याद रखना रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ठीक है पहली बात तो ये हो गया ये मिशन जीवन रक्षा तकरीबन चार साल के अंदर जो रेलवे पुलिसकर्मी है ठीक है उन्होंने पिछले चार साल के अंदर लास्ट चार साल के अंदर याद रखना चार साल के अंदर उन्होंने तकरीबन 1650 लोगों को रेल के पहिए याद रखोगे रेल के पहियों में आकर कट जाती है ना पब्लिक उससे बचाया है 1650 लोगों को चार साल के अंदर देश भर में अगर मैं सिर्फ 2021 की बात करूं तो 2021 में 601 लोगों को बचाया है पहिए से कटने के वजह से यह ध्यान रखोगे यानी कि वो कटे नहीं उन्होंने बचा लिए किस मिशन जीवन रक्षा के तहत मेरी सहेली जैसे आप महिला हैं या फिर आप लड़की हैं सीधी सी बात है ठीक है आप सीधी सीधी आप को कोई भी प्रॉब्लम होती है ट्रेन के अंदर एक बटालियन होगी छोटी सी ठीक है एक संगठन होगा छोटा सा किसका वहां पे फीमेल आरपीएफ फोर्स का तो उसके पास आप जा सकते हैं बोल सकते हैं कि मुझे यह प्रॉब्लम है वो तुरंत आपकी प्रॉब्लम का छुटकारा दिलाएंगे यह चीज आप ध्यान रखना तो ये हो गया मिशन मेरी सहेली ओके ठीक है ऐसी कई सारी छोटी छोटी संगठन बनाए हैं याद रखना हेल्प के लिए लोगों की ऑपरेशन अमानत ये अगर आपका सामान चोरी हो गया है उसके लिए है अगर जैसे आपका सामान चोरी हो गया है ठीक है तो रेलवे की वेबसाइट पर यह सामान आपका शो होने लगेगा आपसे संपर्क करिए वहां पर ठीक है और संपर्क करेंगे तो आपको ये सामान मिल जाएगा अब तक रेलवे 23 करोड़ का सामान वापस लौटा चुका है ये ध्यान रखना आप ठीक है अब तक रेलवे कितने का तेईस करोड़ का सामान लोट मतलब वापस कर चुका है ये बात ध्यान रखना सामान जैसे मान के चलो चोरी होता है वो भी मिली जाता है कैसे ना कैसी किसके द्वारा आरपीएफ के द्वारा या आपका सामान ट्रेन में छूट गया है कहीं पे स्टेशन पे कहीं छूट गया है और वो आरपीएफ को मिल गया आपको वापस हो जाएगा वो ओके क्लियर हो जाती है यहां तक नेक्स्ट आता है आरपीएफ नाइनटीन में बना था यह बात ध्यान रखना ठीक है कब बना था नाइनटीन तो हमने ये ध्यान रखना ये तीनों ही पढ़ लिए हैं नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्या जब अध्यक्ष सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो कौन उसकी अध्यक्षता विरोधी दल का नेता बन सकता है क्या उस टाइम पे या फिर उपाध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति और जरा बताइए क्या एक राइट आंसर लगाओगे <coughs> आर्टिकल 93 से लेकर आर्टिकल 97 तक आर्टिकल 93 से लेकर 97 तक आपके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बातें हैं ध्यान रखोगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में और उपाध्यक्ष के बारे में बातें हैं संविधान के अंदर ठीक है आप जानते हो अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन गद्दी पर बैठेगा सीधी सीधी बात है अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो गद्दी पर कौन बैठेगा जरा बताइए इसमें से वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है <coughs> बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है यहां तक ओके चलिए वेरी वेरी गुड उपाध्यक्ष इज द राइट आंसर देखो अगर मान के चलो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष गद्दी पे बैठ सकता है उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राष्ट्रपति जो भी हमारा प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति वो जिस भी सदस्य को चाहेगा वो उसको वहां पे उससे अध्यक्षता करा सकता है लेकिन कौन राष्ट्रपति ये बात ध्यान रखना मान के चलो आपका अध्यक्ष भी नहीं है ये भी उपस्थित है ना ध्यान रखोगे अनुपस्थित है और ये भी अनुपस्थित है तो फिर राष्ट्रपति जिस भी सदस्य को चाहेगा याद रखना वही आगे जाके गद्दी पे बैठेगा जितने भी टाइम तक के लिए ये है नहीं उतने टाइम तक के लिए ठीक है आर्टिकल 93 से 97 के बीच में लिखी हुई है अच्छा हम लोकसभा की बात करते हैं राइट हम किसकी बात करते हैं लोकसभा की ठीक है आर्टिकल किस में मिलेगा इसका वर्णन अगर आपसे पूछा जाए एट्टी में मिलता है लोकसभा ठीक है या फिर थ्री में देखने को मिलता है ठीक ठीक है अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा में मूल संविधान में कितनी सीट थी पता है आपको मूल संविधान में ये पांच बावन वाला हिसाब नहीं था ये ध्यान रखना ठीक है अगर आपसे पूछे जब संविधान बना था तो कितनी सीट थी उसमें लोकसभा के अंदर वो थी 500 ध्यान रखोगे फिर और बढ़ाई गई ठीक है और कब बढ़ाई गई थी इकतीसवें संविधान संशोधन 1973 में ठीक है कितनी कर दी गई ये बढ़ा के ये बढ़ा के कर दी गई पांच फिर और कब बढ़ाई गई फिर बढ़ाई जाती है जब दमनदीव ध्यान रखोगे दमनदीव और गोवा का पुनर्गठन होता है ना उन्नीस के अंदर ध्यान रखोगे उन्नीस के अंदर तब यह बढ़ाकर पांच से पांच कर दी गई थी और आपको पता है आज तो सिर्फ कितनी है 550 ही है क्यों क्योंकि दो एंग्लो इंडियन तो खत्म कर दिए हैं ये चीज आप ध्यान रखना ठीक है ये जो दो एंग्लो इंडियन की सीटें थी वो खत्म कर दी है तो आप अब ध्यान रखोगे कभी भी पेपर में आए कि हमारे मूल संविधान में कितनी सीटें थी लोकसभा की फाइव हंड्रेड इकतीसवें संविधान संशोधन उन्नीस से पांच हो गई ठीक है उसके बाद जब दमनदीप और गोवा आपको पता है गोवा पूर्ण राज्य कब बना था उन्नीस में और दमनदीप यूनियन टेरिटरी ही रह गया था उन्नीस में भी ठीक है पहले भी ये यूनियन टेरिटरी था ठीक है और बाद में भी ये यूनियन टेरिटरी ही रहा ठीक है और ये उन्नीस में कितनी कर दी पांच कर दी गई थी और अब जो है 550 सौ पचास है ये चीज आप नोट डाउन रखोगे इस, इसको क्या बोलते हैं निम्न सदन ठीक है अस्थाई सदन सदन बोल बोल देते देते हैं 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 इसको जनता का सदन बोल देते ये आपने पता है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आते भाई नेक्स क्या बोलेगा इगास उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है के, केरल उत्तराखंड गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश जरा बताओगे इसमें से इगास जो फेस्टिवल है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इसके पीछे का कारण क्या है जरा बताइए शाबाश गलत नहीं करोगे हां जी बहुत अच्छा शाबाश चलिए दीजिए इसमें से इगास। एक तरीके का आ, ये दिवाली से रिलेटेड है अब जरा बताओ किस राज्य में मनाया जाता है कौन बच्चा बताएगा गलत नहीं करना <coughs> हाँ चलिए बहुत अच्छा वेरी वेरी गुड गलत नहीं करोगे <coughs> एक बच्चा कह रहा है यूके मंजू कुमारी ठीक है? है मेरे ही नाम से है एक बच्चा यूके <laughs> ठीक है और कोई बच्चा हा ठीक है उत्तराखंड कई सारे बच्चों का ठीक है वेरी वेरी गुड जिस जिस बच्चे ने यहां तक बोला है किसी का कोई गलत नहीं है बहुत बहुत बढ़िया <coughs> बहुत, बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है यहां तक ओके चलिए बहुत, बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया ओके चलिए भैया एक नंबर आंसर देखो उत्तराखंड से कभी भी पूछेगा इगास उत्सव कैसा है मान के चलो दिवाली मनाई जाती है पूरे देश में सब जानते हैं और ये कब मनाई जाएगी अमावस्या के टाइम पे राइट ठीक है अमावस्या के टाइम पर मनाई जाती है दिवाली सबको पता है ठीक अब जो अगली अमावस्या आएगी ध्यान रखोगे जो दिवाली से अगली अमावस्या आती है ये ध्यान रखना आप अब अगली अमावस्या पर शुरू होगा ये फेस्टिवल पांच दिन के लिए ठीक है पांच दिन के लिए शुरू होगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि ये जो जौनसारी बावर एरिया पड़ता है कौन सा जौनसारी बावर उत्तराखंड के ध्यान रखोगे उत्तराखंड में ये एरिया पड़ता है जौनसारी बावर इस एरिया में जैसे मान के चलो दिवाली क्यों मनाई जाती है भाई राम जी वापस लौटे थे घर सीधी सी बात है ठीक है राम जी अयोध्या लौटे थे सीधी सी बात है तो दिवाली इसलिए मनाई जाती है तो उनके यहां तक पहाड़ी लोगों तक दिवाली या फिर ये बोलो राम जी के लौटने की खुशी एक महीने के बाद पहुंची थी ठीक है तो इसलिए यहां पर इतना लेट मनाते हैं इस त्योहार को इगास उत्सव को समझ गए यानी कि एक तरीके की वहां ये दिवाली ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन एक महीने के बाद इतनी चीज आप नोट डाउन रखोगे दिवाली समझ गए अमावस्या उसके बाद जो अगली अमावस्या आएगी पांच दिन के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है कहां पे उत्तराखंड के अंदर ये चीज आप नोट डाउन रखना ठीक है इसको ढोल वोल के साथ बजाते हैं भाई साहब ठीक है ढोल बजाते हैं और डांस करते हैं इसमें दबा के ये चीज भी आप नोट डाउन रखना ठीक है यहाँ पर एक घुया भी फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर यह भी चीज आप नोट डाउन रखना यहाँ पर नंदा देवी का मेला लगता है चंपावत का मेला लगता है यह भी चीज आप नोट डाउन रख सकते हो कौन सा चंपावत का मेला ठीक है यहां पर लगता है यहाँ पर नंदा देवी का मेला लगता है <coughs> नंदा देवी मेला इतनी चीजें यहां पर हैं ये चीज आप नोट डाउन रख सकते हो क्लियर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई नेक्स्ट क्या लगेगा तो इगास उत्सव को अब नहीं भूलना नेपाल के कामी रीता बहुत सारे लोग इनको फीमेल समझते हैं ये फीमेल नहीं है या आपको कई जगह ये लिखा मिलेगा कि नेपाल की कामी रीता ठीक है ऐसा नहीं करना चलिए चलो क्या बोलता है सर मैं आज वाइवा देने गया था मैंने एग्जामिनर को आंसर दिया लेकिन वो और नंबर नहीं दिया ऐसा होता है भैया ऑब्वियसली होता है मेरे साथ भी हुआ है ठीक है मेरे साथ भी बी में हुआ था ऐसा <laughs> वो ना मेरा तो कॉलेज जो था वो सरकारी था मैं बताता हूँ पहले आप इसका आंसर करो नेपाल के कामी रीता शेरपा ने मई 2022 में 26वीं बार चढ़ाई की ये कहाँ की चढ़ाई की 26वीं बार ये इनसे पूछा है देखो क्या था मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताऊँ मेरा कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज था जिससे मैं आ, ये कर रहा था बी तो बी ये फाइनल ईयर की बात है अब वो जो आए थे वो कहीं Uh, मैंने जो बी करी है वो सी यूनिवर्सिटी से की है जो मेरठ के अंदर है तो सी यूनिवर्सिटी का एक मतलब रूल है कि किसी को भी अस्सी परसेंट से ऊपर नंबर नहीं देंगे हम बीएससी के अंदर ये रूल है चाहे कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना आ जाओ वहाँ ठीक है अब चाहे पढ़ लो मत पढ़ो ना पढ़ोगे तो और खड्डे में जाओगे पढ़ लोगे तो अस्सी से ऊपर बिल्कुल नहीं देंगे वो उनका रूल है तो हमारे यहाँ वाइवा लेने के लिए कोई ईस्टर्न यूपी से आए थे और ईस्टर्न यूपी से जो आए थे वो पहली तो हमारी और उनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी जो सर थे तो आराम से वो बैठे अंगूर खा रहे हैं बैठ के हम उनके सामने गए और मैं अपना केमिस्ट्री का मेरा वाई था और जो जो चीज़ें आनी चाहिए चीज़े थी वाई के लायक मैंने बाबा के लायक जितनी भी चीज़ थी मैंने सब अपना कंप्लीट करके गया तो मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि यार वचास वैसे वचास लेके आऊँगा चाहे कुछ हो जाए ठीक अब मुझे नहीं पता था उनका मूड क्या था अब मैं उनसे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा एसिटिक एसिड का बस एक बोला सर वो बोले बताओ भाई ये क्या है मेरे से अगले वाले से भी वही पूछा उससे अगले वाले से भी वही पूछा मेरे से भी सेम पूछा एसिड एसिट का फार्मूला फिर अंगूर खाने लगे बैठ के बोला सर और पूछ लो कहता क्यों पूछ ले बोला सर पूछ लो और आ, मैं और याद करके कर आया हूँ थोड़ा सा और रट्टा मार के आया हूँ पूछ लो तुम ठीक है तो कहता है कि तुम बताओगे अब हम पूछेंगे या नहीं पूछेंगे बोला यार अजीब है बोला सर आप नंबर नहीं दिए तो आपने कहता तुमको उससे क्या लेना मैं दूँ या ना दूँ मेरी मर्ज़ी है बोला सर बट मेरी तो परसेंटेज ख़राब हो जाएगी मेरे तो कबाड़ा लग जाएगा आप पूछ लो आपसे पहले जितने भी आए थे उन्होंने सबने पूछा है मेरे को नंबर ठीक ठीक दिए हैं तुम तो भी पूछ लो प्लीज़ कुछ तो कर लो हैं तो कहता ऐसा है निकल यहाँ से है <laughs> बोला बोला सर प्लीज़ मेरे को मेरे को नंबर की पड़ी हुई है तुम कुछ करो या मेरे को नहीं दिए उन्होंने पता नहीं बयालीस या तैतालीस ही नंबर दिए थे बस ठीक है काट लिए सब नंबर और उन्होंने सबके नंबर काटे थे पता नहीं क्यों और वो सात नंबर क्यों कटे थे मुझे आज तक नहीं पता कि क्यों काटे हैं ठीक है आई बात समझ में तो इसलिए जो मिल रहे हो ग्रे जो ना मिल रहे हो ग्रे छोड़ो और जिसकी जैक होती है ना जैक समझते हो जिनके पापा लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं जिनके चाचा ताऊ लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं उनकी अलग लेवल की जैक होती है पचास में से पचास ही आते हैं उनके तो तुम भी ऐसे जुगाड़ कर सकते हो दुनिया करती है समझ गए और प्राइवेट की भी उतनी वैल्यू और गवर्नमेंट की भी उतनी वैल्यू ठीक है दोनों की उतनी वैल्यू है हालांकि ऐसा माना जाता है कि कॉलेज में प्राइवेट की थोड़ी कम हो जाती है वैल्यू सरकारी की ज्यादा होती है बट इक्वल है कहीं से भी कर लो प्राइवेट से अच्छी खासी परसेंटेज बनती है वहां से कर लो चुपचाप हमेशा सफल रहोगे पूरी जिंदगी ठीक है वहां पर अच्छा खासा चलता है चलिए क्या बोला भाई इसने नेपाल के कामी शेरपा छब्बीसवीं बार इन्होंने चढ़ाई की इस बार ध्यान रखना 2022 में क्लियर हो जाता है और ये कहा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी ठीक है और भैया इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा क्लियर हो जाते हैं ये आदमी है इनको औरत मत समझने लग रहा मैंने देखा था कई तो सर भी इनको औरत ही पढ़ा रहे थे कह रहे थे नेपाल फोटो तो था नहीं ऐसे नेपाल की कामी रीता शेरपा तो कामी रीता शेरपा नेपाल की नहीं है ये के है ठीक है तो माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की जो आठ मीटर है याद रखना ठीक है क्लियर हो जाता है अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं अगर मैं आपसे बात करूं प्रियंका मोहिते की ठीक है याद रखना प्रियंका मोहिते इन्होंने जो है 8000 से ऊंचे ध्यान रखोगे 8000 से ऊंची पांच चोटियां पार कर ली हैं और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली हैं। याद रखोगे भारत की पहली हैं। ये बात आप नोट डाउन रखना क्लियर हो जाती है समझ गए प्रियंका मोहिते आठ हजार मीटर से ऊंची जो है वो पांच है ये चीज आप नोट डाउन रखना कभी भी आपके पेपर में आए और ये आप ध्यान रखना छब्बीसवीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है वो इन्होंने किया है ये चीज आप नोट डाउन कर लोगे कभी आप पेपर में अच्छा आपसे ये पूछ सकता है इन्होंने सबसे पहली बार कब किया था उन्नीस में, में किया था सबसे पहली बार इन्होंने कहता है किस स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर, कर दिया गया है जरा बताओ भाई इसमें से क्या लगाओगे किस स्टेडियम का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया है अगर तुमने इसको गलत किया तो सोच लेना ठीक है बरस पारा स्टेडियम या फिर दिल्ली का नेशनल स्टेडियम या फिर फरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली या फिर ग्वालियर क्रिकेट स्टेडियम जरा बताएंगे इसमें से ठीक है जरा बताना इसमें से ठीक है प्रियंका मोहिते गलत नहीं करना एक मोहतरमा है अरे ये मोहतरमा नहीं है आदमी है तुम क्यों नहीं समझ रहे ठीक है चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर बी बहुत अच्छा सी वाले अबे यार देखो बच्चे कह रहे हैं सी यही तो तुम्हारी कमी है वाई फिरोजशा कोटला स्टेडियम अरुण जेटली कर दिया ठीक है क्यू सी कह रहे हो कितने सारे गलत एस के यादव गलत है और विकास कुमार गलत है इतने पड़े पड़े बच्चे गलत कर रहे हैं तो बताओ यार नए नए बच्चे क्या ही करेंगे जब पड़े पड़े बच्चे ही गलत कर रहे हैं तो है ना अभी भी कई सारे लोगों का गलत ही है और दीजिए इसमें से क्या है कई सारे लोगों ने गलत बनाया अभी भी गलत बनाया गलत है कई सारे लोगों का और दीजिए इसमें से <coughs> चलिए कोई बात नहीं है दे दो इसमें से जो तुमको गलत लगे देखो ये कौन सा था दिल्ली का नेशनल स्टेडियम उसी का नाम चेंज करके क्या किया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम अब देखो इस स्टेडियम का इतिहास देखना सबसे पहले ये स्टेडियम 1933 में बना ठीक है भाई ठीक है 1933 में बना था ये बात ध्यान रखना फिर इसका नाम क्या था इरविन याद रखोगे किसके नाम पर था इरविन के नाम पर था ठीक है भाई उसके बाद इसका नाम एंथोनी के नाम पर हो गया ठीक है भाई एंथोनी हो गया उसके बाद जब 1951 में एशियन गेम्स हुए थे ना याद रखना जो एशियन गेम्स होते हैं एशियन गेम्स के टाइम पे इसका नाम नेशनल स्टेडियम पड़ गया था क्लियर हो जाता है यह चीज आप नोट डाउन रखोगे क्या पड़ गया था नेशनल स्टेडियम पड़ गया था इसका नाम और अब इसका नाम क्या हो गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया वैसे अगर हम देखें तो ये कई सारे यहां पर गेम हो जाते हैं बट ये हॉकी का स्टेडियम है एक तरीके से ठीक है ये चीज आप याद रखोगे हॉकी का बट यहां पर कई सारे गेम हो जाते हैं ऑलरेडी अच्छा अब देखते हैं हम मेजर ध्यानचंद के बारे में इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था ये चीज आप ध्यान रखोगे प्रयागराज में आपको पता है ये आर्मी में थे ओके ये आर्मी में थे हमारी भारतीय सेना में थे ठीक है क्लियर हो जाती है आपको याद है 1928 का ओलंपिक ठीक है जो कहा हुआ था एम के अंदर हुआ था एम के अंदर वहां पे हमने क्या जीता था याद रखोगे <coughs> हमने क्या जीता था वहां पर गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में ये चीज आप नोट डाउन रखना और ये भारत का पहला गोल्ड था 1932 में फिर होता है कहा लॉस एंजेल में ओके लॉस एंजलस ये चीज आप ध्यान रखना और इसमें भी हमने गोल्ड जीता था हॉकी में ओके फिर होता है 1936 में बर्लिन के अंदर ये चीज भी आप नोट डाउन रखोगे कब होता है बर्लिन के अंदर होता है और इसमें भी हमने गोल्ड जीता था ठीक है ये चीज आप ध्यान रखना बर्लिन कहाँ है ठीक है किधर है जर्मनी वहां पे हमने लगातार ये गोल्ड जीते थे ये बात ध्यान रखना और किसका था हॉकी के जादूगर का हाथ था है ना तो ये चीज आप नोट डाउन रखोगे क्लियर हो जाती है यहां तक हमारा ठीक अच्छा इनको भारत रत्न कब मिला दो के अंदर ठीक है ये चीज भी आप नोट डाउन रखोगे भारत रत्न ठीक है 2014 के अंदर ठीक क्लियर हो जाती है इनके नाम पे खेलों का सबसे बड़ा अवार्ड जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम भी कर दिया गया अब अच्छा इनका बर्थडे डेट क्या है उनतीस अगस्त उसी दिन हम अपना नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं याद रखोगे 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं यह भी चीज आप ध्यान रखोगे राष्ट्रीय खेल दिवस क्लियर हो जाता है ना तो देखो हमने कितना बड़ा इनको ओदा दिया ये देना भी चाहिए ऐसे प्लेयर को मिलना भी चाहिए ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या लगेगा कहता है बोस म्यूटस किसका वैज्ञानिक नाम लगता है जंगली याक घोड़ा बैल या फिर भैंस जरा बताना इसमें से किसका लगेगा एक राइट आंसर गलत नहीं करेगा कोई बच्चा बोस म्यूटस जो है किसका है जरा बताइए इसमें से भाई जरा बताओ इसमें से क्या लगा आठ गोल्ड भारत ने हाँ जी टोटल है वो ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा इसका आंसर दीजिए जंगली आग घोड़ा भैंस ठीक है जरा बताना भैंस का क्या है भैंस का तो तुम लोगों को सारा को ही पता होगा ठीक है <coughs> चलिए बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का ठीक है <coughs> वेरी गुड या एक बच्चा कह रहा है सी नहीं नहीं भैंस का नहीं है भैंस का बुबलस बुबलिस है <laughs> भैंस का बुबलस बुबलिस है ठीक है और बहस का बुबलस बुबलिस वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक है चलिए देखो दो बच्चों का ठीक आया बोस म्यूटस है जंगली याक का ठीक है क्लियर हो जाती है बोस म्यूटस क्लियर है क्लियर हो जाए और बोस टॉमस किसका है फिर ये बैल का है ठीक है याद रखोगे बोस टॉमस कभी भी आपके पेपर में आए ठीक है ठीके? बोस टॉमस या बोस टॉरस बोल देते हैं उसको याद रखोगे बोस टॉरस या बोस टॉमस बोल देते हैं ये किसका है ये बैल का है बोस म्यूटस जंगली याक अच्छा आप बोलोगे सर जंगली याक कहां देखने को मिलते हैं ये आपके सिक्किम में देखने को मिल जाते हैं ठीक है ये सिक्किम में देखने को मिल जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल... या फिर तिब्बत के अंदर दिख जाएंगे ठीक है या फिर लद्दाख के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं कहीं कहीं एरिया में याक ओके क्लियर है समझ गए आप लोग तो ये इस एरिया में देख रहे हैं अच्छा बुबलस बुबलिस किसका है भैंस का है ये चीज आप ध्यान रखोगे बुबलस बुबलिस ये किसका है भैंस का ठीक है ये भी चीज आप नोट डाउन रखोगे भैंस का हो गया बैल का हो गया और ये ध्यान रखोगे जंगली याक हो गया बॉस म्यूटस ठीक है चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट क्या बोलेगा भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है भाई जिसने झंडा फहराया था पहले ठीक है जरा बताओ क्या लगाओगे भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा जाता है कस्तूरबा गांधी एनी बेसेंट या फिर मैडम कामा लगती है जिनको भीका कामा बोलते थे पारसी थी ठीक है थीके? या फिर सरोजी नायडू जरा बताइए इसमें से कौन सा एक बच्चा राइट आंसर देगा ठीक है गलत नहीं करेगा कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधी आपको पता है जो 1942 का आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने या फिर एनी बेसेंट सब जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी और सरोजी नायडू इनको जानते हैं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी तो अब गलत नहीं होना चाहिए सारे पता चल गए वेरी गुड एक नंबर है <coughs> कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिसने भी यहां तक दिया है ओके बहुत बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड एक नंबर <coughs> बहुत बहुत बढ़िया वेरी गुड जो भी बोले काजी कामा इज़ द राइट आंसर देखो बात है 1907 की इनकी एज थी तकरीबन 46 ईयर ये उस याद रखोगे 46 ईयर 1907 ठीक है जर्मनी के स्टूडेंट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का सेकेंड सम्मेलन चल रहा था ठीक है यह चीज आप ध्यान रखोगे किसका चल रहा था ध्यान रखोगे इंटरनेशनल ठीक है सोशलिस्ट ठीक है यह चीज आप ध्यान रखोगे सोशलिस्ट ये चीज आप ध्यान रखना कभी भी आपके पेपर में आए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का कौन से वहां सम्मेलन चल रहा था सेकंड चल रहा था तो उसके अंदर ध्यान रखोगे स्टूगर्ट जर्मनी में था ये भी चीज आप ध्यान रखना कभी पेपर में आए स्टूगर्ट जर्मनी के अंदर सम्मेलन चल रहा था ठीक है तो उन्होंने यहाँ पर भारतीय झंडा फहराया था ये चीज ध्यान रखना और वो झंडा आज के झंडे से अलग था यानी कि भिन्न था ऐसा झंडा नहीं था जैसा आज है तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं भारतीय क्रांति की जननी कहते हैं ये चीज आप नोट डाउन रखोगे यानी कि स्टार्ट हम वहीं से मानते हैं क्यों क्योंकि 1905 में हमारे देश में बंगाल विभाजन हुआ था तो हमारे देश में कहीं ना कहीं गुस्सा उबाल था पूरे देश में और 1907 में फिर उन्होंने ये काम किया तो कहीं ना कहीं ना हम कहते हैं कि भारतीय क्रांति की जननी है एक तरीके से ठीक है क्लियर हो जाता है चलिए नेक्स्ट आता है किस देश को प्रातःकाल शांति के देश के नाम से जानते हैं जापान कोरिया या फिर फिनलैंड या फिर स्कॉटलैंड अब वही देश है जहां पर मतदान की जो उम्र है उन्नीस साल है अब जरा बताइए वो कौन सा देश है जहां पर मतदान की जो उम्र है ठीक है वो कितनी है नाइनटीन ईयर है अब जरा बताओ वो कौन सा वो देश लगेगा आपको गलत नहीं करोगे किस देश को प्रातः काल शांति का देश कहते हैं क्या लगाओगे एक राइट आंसर चौदह मार्च को हाँ पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे चौदह फरवरी को मनाया जाता है यहां चौदह मार्च को मनाया जाता है ठीक है वेरी गुड कई सारे बच्चों तो, का ठीक है कर फिनलैंड नहीं भैया फिनलैंड नहीं है इसमें फिनलैंड कहाँ वहां तो धूप पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात है प्रातः <laughs> काल शांति का देश किसको कहा जाता है वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक है <coughs> बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है यहां तक जिस भी बच्चे ने दिया बहुत बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है ओके okay. <coughs> बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक है ठीक आपका कौन सा है कोरिया लेकिन कोरिया में भी कौन सा दक्षिण कोरिया ये चीज ध्यान रखना कौन सा दक्षिण कोरिया क्लियर हो जाता है जी समझ गए ठीक यहां पर एक बड़ा शहर कौन सा पड़ता है सियोल ये भी चीज आप नोट डाउन रखना ओके सियोल क्या वहां की सियोल राजधानी है या नहीं है कमेंट में बताना यहां पर मतदान की उम्र या फिर धूम्रपान या शराब पीने की जो भी है वो उम्र उन्नीस साल है यहाँ पे ठीक है उन्नीस साल के बंदे को एक बालिक माना जाता है वहां पे सीधी सीधी बात यह है ठीक है यहाँ पर चौदह एक बार पेपर में यह भी आया था कि चौदह मार्च का वैलेंटाइन डे कहा मनाया जाता है ये यहां पर मनाया जाता है ये ध्यान रखना ठीक है क्लियर हो जाता है वैलेंटाइन डे पता है बट यहाँ के वैलेंटाइन डे की क्या एक खास बात है ठीक है <coughs> वैलेंटाइन डे की क्या एक खास बात है यहां पर महिलाएं पुरुषों को प्रपोज करती है ना कि पुरुष महिलाओं को उल्टा है इधर और यहाँ के जो पुरुष हैं तकरीबन हंड्रेड में से ट्वेंटी फाइव परसेंट बंदे मेकअप लगा के रहते हैं अपने चेहरे पे यानी कि उल्टा यहाँ पूरी दुनिया में लड़कियां मेकअप ठोकती हैं या लड़के ठोकते हैं तो ये चीज आप नोट डाउन रख सकते हो कोरिया के बारे में ठीक है वेरी गुड यस बहुत अच्छा आंसर है जिसने बोला केरल का कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है ठीक है जरा बताइए ये ठीक है जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे क्या बोला पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुलबंगी बना है या फिर एनुहपुआ बना है या फिर इसमें से थमारुकुन बना है या फिर आपको लगता है मंजपुरा क्या एक राइट आंसर होगा कौन सा है भाई सारे के सारे ये जो गांव हैं ये साउथ के हैं केरल में मिलेंगे आपको ठीक है और कोई एक गांव है जो सैनिटरी नेपककिन मुक्त बन गया है ठीक है जरा बताना इसमें से वेरी गुड बहुत अच्छा अरे वाह सब बच्चों का आंसर ठीक है बहुत, बहुत बहुत बढ़िया जिसने बोला ए इज द राइट आंसर ये नोट डाउन रखना सीएचएसएल में आ चुका है तो यकीनन आगे भी ये पढ़ सकता है रेलवे को पूछ सकता है एक बार ठीक है चलिए <coughs> बहुत-बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिस भी बच्चों ने यहां पर दिया है एक नंबर ओके बहुत-बहुत <coughs> बढ़िया जिस भी बच्चे ने यहां तक आंसर दिया है बहुत अच्छा आंसर है वेरी गुड देखो क्या था मैं तुम्हें एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूं लड़कियों को मास्सिंग दर वाली प्रॉब्लम होती है तो वही वाली प्रॉब्लम को क्या होता है कि पेड़ जो होता है ना पेड़ इधर उधर फेंक दिया जाता है और वो पर्यावरण के लिए प्रदूषण का काम बनता है सीधी सी बात है ठीक है प्रदूषण का वर्क है ये सीधी सी बात ये है तो उसको कम करने के लिए इन्होंने क्या काम करा सेनेटरी नेपकिन मुक्त बनाने के लिए इन्होंने कप बांटे ठीक है याद रखोगे वो कप जो होगा ना वो किसका सिलीकन का बना होगा ध्यान रखना या फिर वो रबड़ का भी बना हुआ हो सकता है ठीक है सिलिकन या रबड़ का बना हुआ एक कप होगा उस कप को वो लड़कियां यूज कर सकती हैं दस साल तक चलेगा वो ठीक है ये चीज ध्यान रखोगे और वो कौन सा है एर्नाकुलम का कुलबंगी याद रखोगे एर्नाकुलम वहां पर पड़ता है एक जिला बिल्कुल कोच्ची के बराबर में ठीक है एर्नाकुलम पड़ता है वहीं का गांव है कुलबंगी वहां पर ऐसे पांच हजार कप बांटे गए हैं ये चीज आप ध्यान रखोगे कितने कप बांटे गए हैं पांच हजार कप वहां पे बांटे गए हैं जो कि एक बढ़िया डिसीजन है कि भाई पेड़ फेंकोगे इधर उधर तो सीधी सी बात है प्रदूषण होगा और थोड़ी गंदगी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं इधर उधर ठीक है तो ये उसी के लिए है कि साफ सफाई रहे ये कप बांटे हैं सिलिकॉन और रबड़ के होते हैं या फिर प्लास्टिक के भी होते हैं ठीक है थीके? अच्छा दूसरी बात इस योजना को वहां पे नाम क्या दिया है अवलके यानी कि महिलाओं के लिए ओके क्या है वो अवलके याद रखना अगर आपके पूछे ना कौन सी ये योजना है अवलके इसका मतलब होता है महिलाओं के लिए ओके याद रखना क्या होता है महिलाओं के लिए <coughs> ये चीज आप नोट डाउन रखना महिलाओं के लिए ओके क्लियर हो जाएगा यहां तक चलिए केरला से ये चीज आप नोट डाउन रखोगे इर्वीकुरम नेशनल पार्क यहीं पर पड़ेगा ओके इर्विकुलम केरल के अंदर ही है इरविकुलम नेशनल पार्क ये चीज ध्यान रखा करो ठीक है <coughs> इर्विकुलम नेशनल पार्क यहीं पर ही है अच्छा यहां पर बांध मुल्ला पेरियार बांध यहीं पर पड़ेगा मुल्ला पेरियार ठीक है ये वाला जो डैम है ना बांध ये भी यहीं पर ही है ये भी चीज आप दोनों इसके साथ साथ याद रख सकते हो अच्छा यहां पर बीस लोकसभा की सीटें पड़ेंगी है ना और नौ राज्यसभा की सीटें हैं ठीक है ना भैया नौ राज्यसभा की सीटें पड़ती हैं और बीस लोकसभा की सीटें पड़े इतनी चीज आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, की, की मेजबानी करने वाला यह देश है ठीक है जरा बता सकते हो हालांकि कर दिया इसने मेजबानी ठीक है 2022 में विश्व आर्थिक मंच (WEF) की मेजबानी करने वाला ये है मतलब हो चुकी है जरा बताइए वॉशिंगटन पेरिस लंदन या फिर दावोस क्या लगता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन लंदन नहीं है भाई प्रमोद गलत हो जाएगा ठीक है दीजिए इसमें से और कौन बच्चा देगा <coughs> दीजिए इसमें से कई सारे बच्चों का अभी भी गलत है <coughs> दीजिए इसमें से क्या लगाओगे <coughs> लंदन कह रहे हो लंदन नहीं है गलत 2022 का पूछा है उसने ठीक है दावोस है दावोस ठीक है गलत हो जाएगा ये दावोस है कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जो दावोस बोले ओके बहुत बहुत, बहुत बढ़िया दावोस होगा ओके <coughs> बहुत, बहुत बहुत बढ़िया दावोस इज द राइट आंसर ओके जिसने भी बोला अच्छा इसकी थीम क्या थी इसकी थीम एक मिनट इसकी थीम वर्किंग टुगेदर री ट्रस्ट ये चीज आप याद रखोगे क्लियर हो जाती है ये इसकी थीम थी वर्किंग टूगेदर ये चीज आप ध्यान रखना टूगेदर ठीक है री स्टोरिंग यह चीज आप ध्यान रखना री स्टोरिंग ट्रस्ट ठीक है ये इसकी थीम थी क्लियर हो जाता अगर आपसे पूछा जाए इस वर्ष की थीम क्या थी वर्किंग टूगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट ये कहा दावोस के अंदर ये चीज आप ध्यान रखना 2022 का कहा हुआ डब्ल्यू का डब्ल्यू की स्थापना कब होती है 1971 के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ठीक है ये चीज आप ध्यान रखोगे जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है हेडक्वार्टर हो जाता है तो हमने ये कई सारी चीजें देखी अब हम याद रखेंगे भूलेंगे नहीं ठीक है क्लियर है समझ गए वर्किंग टुगेदर ट्रस्ट इसकी ये थीम जरूर याद रख लेना डब्ल्यूफ की कभी आपसे पूछने लगे नेक्स्ट कहता है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है जरा बताइए भाई कौन है जो बुनकरों के शहरों के रूप में जाना जाता है जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे गलत नहीं करना कोई भी बच्चा वेरी <coughs> गुड शाबाश दीजिए इसमें से क्या लगाओगे बहुत बहुत बढ़िया सही जा रहे हो सही जा रहे हो नवाबों का शहर अगर तुमने गलत दे दिया ना बुनकर पता है अभी क्या हुआ ए, पहले तो इसका आंसर बुरहानपुर है चलो छोड़ो ठीक है क्या हुआ पता है बुरहानपुर है क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में ये जो बुनकर जहां पर ये हथकरघा उद्योग ज्यादा चलता है बुरहानपुर में चाइना के लोगों से रूठ गए ये बहुत ज्यादा <laughs> बोले हम चाइना को सप्लाई नहीं करेंगे अपना मान चाहे माल चाहे कुछ भी हो जाए अब आपको तो पता ही है अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे हम कितना सारा तकरीबन तकरीबन 80 परसेंट से ज्यादा माल अपना हम सप्लाई करते हैं किसको चाइना को तो क्या हुआ इन लोगों ने जो है बुरहानपुर के लोगों ने अपना जो भी सामान था वो चाइना से रोक लगा दी फिर बिका नहीं उससे आ गई आर्थिक तंगी उसके बाद दोबारा चाइना को बेचना पड़ा सीधी सी बात यह है ठीक है तो बेमत लम्बे बेमत लम्बे अपने पैर पे गुलाड़ी नहीं मारनी चाहिए ऐसी बात है ठीक है याद रखोगे बुनकरों का शहर ये कौन है बुरहानपुर है किसका मध्य प्रदेश का है ये ध्यान रखना लेकिन आपसे देश में पूछेगा या फिर हरियाणा में पूछेगा तो आप क्या लगाओगे आप लगाओगे पानीपत को ये ध्यान रखना आप ठीक है आप किसको बताओगे पानीपत को बताओगे ओके आपसे अगर पूछने लगे है ना <coughs> अगर आपसे पूछेगा जैसे नवाबों का शहर ये सब बच्चे जानते हैं लेकिन साउथ वाले कम जानते हैं नवाबों का शहर कौन सा है वो लखनऊ है ये आप जानते हो ओके लखनऊ क्लियर हो जाएगा लखनऊ अवध की राजधानी थी दूसरी ठीक है अवद, ये सेकंड याद होगा सेकंड कैपिटल ऑफ अवध ये ध्यान रखना अवध की पहली नहीं थी अवध की पहली थी फैजाबाद ये ध्यान रखोगे अब और आज फैजाबाद का नाम क्या है वो है अयोध्या ठीक है ये चीज आप नोट डाउन रखना क्लियर हो जाएगा इतनी चीज समझ गए तो यहां से आप ऐसे ये नोट डाउन रख सकते हो मध्य प्रदेश ठीक है मध्य प्रदेश जिसको नदियों का मायका कहते हैं नेक्स्ट भारत के किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी जरा बता सकते हो कि वो कौन सा वायसराय था जिसने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी क्या लगता है चेम्सफोर्ड था लिलिन्थियागो था या फिर वेलिंगटन था या फिर रीडिंग था क्या लगता है अगस्त प्रस्ताव कब आया सबको पता है आठ अगस्त उन्नीस की घटना है अब आंसर करो ठीक है इस बीच में कौन था वायसराय हमारे यहां का उसने बहुत बुरे बुरे कर्म देखे थे यहां पे मींस उसने बहुत तकड़ी तकड़ी चीजें झेली थी उसी के टाइम पे तो सारी चीजें हुई हैं उसने भी सोचा होगा तू गलत वायसराय बन के आ गया ठीक है चलिए सी नहीं है बच्चा ठीक है सी नहीं है अभी आपको पता है अगर अगस्त प्रस्ताव का टाइम पता चल गया ना तो आंसर तुम्हारा ऑटोमेटिक ही आ जाना है वेरी गुड बहुत, बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक है <स्थाँगा> बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिस जिस बच्चे ने यहां तक दिया है ओके okay. <स्थाँगा> बहुत, बहुत बहुत अच्छा सभी बच्चों का ठीक आंसर है यहां तक सब बच्चों का ठीक है ओके okay. देखो आपको पता है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथिया आपको पता है लिलिन्थियागो का टाइम पीरियड क्या था 1936 से लेकर उन्नीस ये बहुत गलत टाइम पे आ गया देश में कैसे क्या था इसी के टाइम पर हमारे देश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और राज्यों में ग्यारह में से आठ राज्यों में किसने सरकार बनाई थी ग्यारह में से आठ राज्यों में इसी के टाइम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी ये बात ध्यान रखना छह में तो पूर्ण बहुमत मिला था उसे है ना पूर्ण बहुमत और दो में तोड़ मरोड़ के बना ली थी ठीक है दो में उसने गठबंधन की बना ली थी यह बात ध्यान रखना ठीक है गठबंधन की फिर उसके बाद सारी सरकारों ने इस्तीफा भी दे दिया था तो यह भी याद रख सकते हो ठीक है इस्तीफा दे दिया था सारी सरकारों ने ठीक है इस्तीफा दे दिया ये भी चीज आप ध्यान रखना सारी ही सरकारों ने यह भी चीज आप नोट डाउन रख सकते हो सरकार भी बनाई थी इस्तीफा भी दिया तो ये इसी बीच के काम बता रहा हूं मैं आपके ठीक है उन्नीस से चवालीस के बीच इसी बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है उन्नीस में उन्नीस के बीच में हुई थी ना तो ये याद रखना इसी के टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी ये भी चीज आप नोट डाउन कर सकते हो क्लियर हो जाएगा इसी बीच में आपको पता है आ, पता है आपको हरिपुरा हरिपुरा के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे पता है उन्नीस में सुभाष चंद्र बोस बने थे इसी बीच में यह भी चीज आप नोट डाउन रखना इसके बीच का काम ठीक है फिर त्रिपुरी संकट आया था आपको पता है त्रिपुरा में है ना या कांग्रेस इसमें क्या हुआ था जो उन्नीस वाला था इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था राइट सुभाष चंद्र बोस ने क्या इस्तीफा दे दिया था यह चीज आप नोट डाउन रख सकते हो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था ठीक है उन्नीस जो त्रिपुरी संकट बोलते हैं इसको इसी के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस यहां से गायब हो गए थे देश से चले गए थे इसी के टाइम पे आजाद हिंद फौज बनी थी यह भी चीज आप नोट डाउन रखना इसके टाइम पे आजाद हिंद फौज बनी थी ठीक है ये भी चीज आप नोट डाउन रख सकते हो तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें हुई है इसके टाइम पे अगर मैं गिनवाने लग गया तो बहुत बैठेंगी ठीक है इसके ही टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन चला था याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन वो कब था ठीक है वो कब का था 1942 पता है ना आपको इसके ही टाइम पे भा... ध्यान रखोगे इसके टाइम पे ही दिल्ली चलो आंदोलन हुआ था याद रखना दिल्ली चलो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था याद रखोगे 1940 में राइट right, 1940 में वो कहां से चला था पवनार आश्रम से चला था पवनार आश्रम कहाँ है महाराष्ट्र में है ये चीज आप नोट डाउन रखना दिल्ली चलो आंदोलन भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं जो इसके टाइम पर हुई हैं तो ऐसे आप नोट डाउन रख सकते हो सारी चीजें ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं वह चेहरा चर्चिल पीएम बना वेरी गुड दिसंबर 2021 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बना देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ठीक है क्या कह रहा है दिसंबर 2021 2021 में में ठीक है इससे पहले भी में तीन मेंबर और एक्स्ट्रा बन चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के तो उसको भी साइड में लेकर चलना पांच तो पहले थे ही फिर तीन और आए फिर एक और आया जो वो एक आया है उसकी पूछा है दिसंबर 2021 में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य बना है अब जरा मुझे बता सकते हो आपकी कौन बना है चौथा गलत नहीं करना सिंपल क्वेश्चन है वेरी सिंपल बताइए इसमें से डी बच्चा कहता है मिस्र अरे होशियार क्या बात है सबसे लास्ट में यही आया है बहुत अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आंसर है समझ गए तो आंसर बच्चा कह रहा है यूरोप अच्छा उरुग्वे नहीं नहीं उरुग्वे यूएई और बांग्लादेश तो पहले ही आ गए थे ठीक है पहले ही आ गए थे गलत नहीं करना भैया ठीक है बहुत अच्छा सभी बच्चों ने ठीक आंसर किया है जिस जिस बच्चे ने यहां तक दिया है शाबाश ओके okay, बहुत बहुत बढ़िया एक नंबर आंसर है जिस जिस बच्चे ने यहां तक आंसर दिया है <coughs> बहुत बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है यहाँ तक सभी बच्चों ने ठीक आंसर दे दिया यानी कि किसी की भी कोई भी दिक्कत है ही नहीं यहां तक चलिए बहुत अच्छा आंसर है ठीक है डी इज द राइट आंसर देखो एक ध्यान से सुनना क्या था ब्रिक्स मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताता हूं क्या था आपको पता है पहले ब्रिक बना था कब 2006 में राइट 2006 में ब्रिक संगठन बन गया ठीक है ओके अब इसकी जो बैठक होती है पहली ये बात ध्यान रखना ये 2009 में हो जाती है रूस के अंदर ठीक है ना रूस के अंदर अब 2010 में इसमें कौन आ गया साउथ अफ्रीका आ गया तो अब क्या इसका नाम हो गया ब्रिक्स एस लग गया इसके आगे ओके तो अब इसके आगे लग गया ब्रिक्स ये नोट डाउन रखना आप क्लियर हो जाता है यहाँ तक समझ गए हम लोग इतनी बात क्लियर है तो अब ये ब्रिक्स हो गया लेकिन पहली बैठक इसकी 2009 रूस के अंदर ये भी हमें पता है और 2010 हमारा ब्रिक्स बन गया ओके कंप्लीट अब क्या हुआ 2014 के अंदर एक सम्मेलन होता है फोर्ट लेजा ब्राजील के अंदर क्या होता है फोर्ट के अंदर फोर्ट कहां पर पड़ेगा ब्राजील के अंदर पड़ेगा वहां पर ब्रिक्स का हुआ सम्मेलन ठीक है वहां पर क्या होता है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था यह बात ध्यान रखना इसमें यह बात सोची कि क्यों ना हम अपने एक बैंक बनाए सारे देश मिलके यही देश ब्रिक्स वाले उसका नाम रखेंगे हम एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक बोले ठीक है भाई बनाते हैं कोई बात नहीं घोषणा हो गई दो के अंदर बैंक चालू हो गया दो से याद रखोगे 2015 हजार पंद्रह हेडक्वार्टर कहा बनाया गया इसका शंघाई चाइना के अंदर ठीक है इसको शंघाई में बनाया क्योंकि भाई चीन भी तो इसका सदस्य था है ना आपको पता है ब्राजील रशिया इंडिया और चाइना ठीक है और साउथ अफ्रीका तो शंघाई चीन के अंदर इसका अपना हेडक्वार्टर चालू हो गया सीधी सी बात है वहां अपना काम करना इन्होंने चालू कर दिया ठीक अब क्या हुआ लास्ट ईयर तीन देश बोले कि भाई हम भी आपके बैंक में आना चाहते हैं कौन तीन देश थे वो उन तीन देश में से तब पहला याद रखोगे एक तो बांग्लादेश आपका आया ठीक है बांग्लादेश आ गया फिर उरुग्वे भी आ गया ठीक है भाई उरुग्वे साउथ अमेरिका पे पड़ता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर ठीक है साउथ अमेरिका महाद्वीप उरुग्वे बांग्लादेश और यूएई ये तीन देश शामिल हो गए सितंबर 2021 की बात है ये ओके सितंबर 2021 में अब भाई कुछ टाइम बाद एक देश के और चुल उठी वो कौन सा देश था याद रखोगे वो था मिस्र बोला मुझे और ले लो जी आप अपने साथ तो मिस्र भी आ गया बोले ठीक है तुम भी आ जाओ ठीक है तो ये चार देश और एक्स्ट्रा आ चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर ये याद रखना ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं ये चीज आप ध्यान रखना कौन है ट्राइजो अभी इसके अध्यक्ष हैं तो समझ गए ये सारी चीज कि कब, कब कौन से देश आए हैं शुरू में पांच थे और ब्रिक्स में तो उतने ही है ब्रिक्स के बैंक में चार और एड हो गए ओके क्लियर है अभी ब्रिक्स के लिए किसने अप्लाई किया है इस वाले संगठन में शामिल होने के लिए ईरान ने क्या भाई मुझे भी ले लो आप ठीक है ये ध्यान रखोगे ईरान ने और इस साल ब्रिक्स का सम्मेलन कहा हुआ है 2022 का चाइना के अंदर लेकिन ये वर्चुअल माध्यम से हुआ है ओके चीन के अंदर हुआ है 2022 का सम्मेलन सब चीज नोट डाउन कर लेना ये हो गया क्लियर यहां तक चलो जी नेक्स्ट आता है बोलेगा द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन है पंडित जवाहरलाल नेहरू भीमराव अंबेडकर या फिर नरेंद्र मोदी या फिर रघुराम राजन जरा बताओ ठीक है जरा बता सकते हो इसमें से द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के अब वही है जिनका जन्म 1891 में हुआ है ठीक है जिनकी बर्थ क्या है ठीक है याद रखोगे जिनकी बर्थ है एटीन ये ईयर है बर्थ का जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक पूछा है जरा बताना इसमें से कौन बच्चा बताएगा ठीक है गलत नहीं होना चाहिए किसी भी लोग ठीक है बहुत अच्छा हाँ जी सर जी दीजिए वेरी गुड डी र नहीं 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 अट्ठारह सो इक्यानवे में किसका जन्म हुआ है आंसर कर सकते हो ठीक है डी पे क्यों जा रहे हो फिर डी पे क्यों ही जाना भैया है ना वेरी गुड कई सारे लोगों का ठीक है बहुत बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है एक नंबर ओके okay, बहुत बहुत बढ़िया जिस जिस बच्चे ने यहाँ तक आंसर किया बहुत अच्छा देखो ऑब्वियसली आप जानते हो कि अठारह सौ इक्यानवे में जन्म किसका हुआ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइट बत्तीस डिग्रिया थी आपको पता है कितनी बत्तीस तो इन्होंने लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ओके क्लियर हो जाएगा अच्छा आपसे पूछे इन्होंने दलित वर्ग के अलावा कोई और धर्म अपनाया था हाँ अपनी डेथ से पहले इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था ठीक है ये भी चीज आप नोट डाउन रखोगे इन्होंने कौन सा बौद्ध धर्म अपना लिया था यह भी चीज आप नोट डाउन रख सकते हो अठारह सो में, में इनको जन्म हुआ था इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है ठीक है भारत रत्न और क्यों जाने जाते हैं भाई साहब आप जानते हो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ठीक है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इससे पेपर में आ जाता है हमारा ठीक है कि क्या थे ये अध्यक्ष थे ये चीज आप नोट डाउन रखोगे उसके हेड थे क्लियर हो जाएगी यहां तक इतनी चीज समझ गए आप लोग ठीक है ये अच्छा आपसे ये पूछेगा इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी अमेरिका के कोलंबिया ध्यान रखोगे यूनिवर्सिटी से ये भी चीज आप ध्यान रखना कहाँ से की थी अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की थी ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो ठीक है क्लियर हो जाएगा ये चीज ध्यान रखना चलिए जी नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्या लगेगा बोलेगा गैजेला बेनेटी किसका वैज्ञानिक नाम लगता है आपको ये हाथी का शेर का चिंकारा या फिर जंगली गधा अच्छा आप बोलोगे चिंकारा बिल्कुल हिरन जैसा दिखता है कुछ कुछ ध्यान रखना ठीक है अब जरा बताइए गैजेला बेनेटी या फिर कुछ और लगता है आपको ठीक है जरा बताना गैजेला बेनेटी क्या है किसका नाम लगता है अब भाई शेर का तो है नहीं ये सीधी सी बात है शेर का आप सब लोग जानते हो बट इनमें से क्या लगता है गलत नहीं होना चाहिए सी राइट पक्की बात है बहुत अच्छा वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक है चलिए बहुत अच्छा अच्छा आपसे कभी पेपर में पूछे शूद्र कौन थे किसकी बुक है शूद्र कौन थे यह भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की है जाति का विनाश यह भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की है आप लिख सकते हो ठीक है कि जाति का विनाश किसकी पुस्तक है ओके याद याद रखना ध्यान <coughs> रखोगे रखोगे आप आप फिर शूद्र शूद्र कौन कौन थे कौन थे ये भी बात पुस्तक है जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है क्या लगता है भाई गैजेला बेनेटी का वैज्ञानिक नाम हाथी शेर चिंकारा या फिर जंगली गधा बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है वेरी गुड एक है चिंकारा इज द राइट आंसर बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का ठीक है ओके बहुत बहुत अच्छा चिंकारा इज द राइट आंसर गैजेला बेनेटी चिंकारा आपको दिखाई किधर देता है अगर मैं अपने कंट्री की बात बताऊं तो ये मध्य प्रदेश में दिखाई देता है ये चीज ध्यान रखना मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की तरफ आपको दिखाई देगा या फिर उत्तराखंड के जंगलों में दिखाई देता है ठीक है उत्तराखंड के जंगलों में ठीक है अच्छा पैंथर लियो किसका है वैज्ञानिक नाम शेर का ये भी चीज आप नोट डाउन रखोगे इसका क्या है पैंथर लियो ये भी चीज आप नोट डाउन रख सकते हो आज हमने कई सारे वैज्ञानिक नाम देखे हैं तो याद रखना आपके पेपर में अगर आ जाए तो ठीक है चलिए नेक्स्ट कहता है जुलाई 2022 में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया आपको पता है मंकी पॉक्स ठीक है जरा बताइए अब से कुछ टाइम पहले भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था मंकी पॉक्स ठीक है बॉडी पर थोड़े थोड़े से छाले से पड़ जाते हैं है ना चला जरा बताइए मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था गोवा केरल या फिर पंजाब या फिर तमिलनाडु एक व्यक्ति था जो यूएई से आया और यूएई से भारत के अंदर आया और जब भारत के अंदर आया तो सीधी सी बात है उसने फैला दिया किसी राज्य में अब जरा बताइए इसमें से वो कौन सा स्टेट है बहुत अच्छा केरला वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक है <coughs> बहुत, बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है वेरी वेरी गुड कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर यहां तक दिया है वेरी वेरी गुड बहुत बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिस जिस बच्चे ने यहां तक दिया है बहुत बहुत अच्छा वेरी गुड ठीक है चलिए देखो पहली बात अगर आपसे कल को पेपर में आ जाए कि मंकी पॉक्स कैसा मामला है यह एक जूनोटिक बीमारी है जूनोटिक कौन सी बीमारी होती है जो जानवरों से आदमियों में आती है ठीक है ये चीज आप ध्यान रखोगे ये कैसी बीमारी है जूनोटिक बीमारी है ये चीज आप नोट डाउन रखना ठीक है जानवरों से किधर देखने को मिलेगी ये जानवरों से आदमी ठीक है यानी इंसानों में आएगी अब आदमी की जगह औरत भी हो सकता है इंसान लिख सकते हो आप सीधी सी बात इंसानों के अंदर आएगी ओके तो ये केरल के अंदर एक व्यक्ति यूएई से आया था ठीक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आया था और वो केरल आया अब केरल जब आया तो उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण दिखे ये जो लक्षण है आपको पांच से इक्कीस दिन में डेवलप होते हुए दिख जाएंगे ठीक है अब वो डॉक्टर के पास जाता है उसके सैंपल लिए गए सैंपल लेने के बाद नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि पुणे के अंदर भेज दिए गए वो ठीक है ये भी चीज आप ध्यान रखना कहां भेजे गए ठीक है नेशनल वायरोलॉजी ठीक है वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेज दिए गए याद रखना ठीक है और ये कहा पुणे के अंदर भेज दिए गए अब पुणे से जो है चौदह जुलाई को पब्लिश हो गई खबर के भाई साहब हां इसके अंदर मंकी पॉक्स वाले गुण हैं जो उन्नीस में सबसे पहली बार देखा गया था मंकी पॉक्स कब 1958 में देखा गया था सबसे पहली बार तो हां इसको पता चल गया कि भाई इस आदमी को तो है ये प्रॉब्लम और ये दुनिया में और भी लोगों को फैला सकता है लोगों को फैला सकता है मतलब आसपास के स्टेट में सीधी सी बात है जहां जहां जाएगा वहीं वहीं फैलाएगा ठीक है इतनी चीज हम क्लियर हो गए इसमें क्या होता है इसमें तेज बुखार होता है और बॉडी पर फफोले से पड़ जाते हैं दाने दाने से पड़ जाते हैं छल्ले से पड़ जाते हैं ठीक है क्लियर हो जाती है भैया कहता है मोइन उदोला गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है जरा बताइए इसमें से और ये ना उन्नीस सौ इकतीस के बीच से बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ठीक है से आप शुरू भी मान सकते हो और इसको फेमस भी मान सकते हो तब से ही बहुत ज्यादा हुआ था मोइन उदौला गोल्ड कप ये आपका क्रिकेट से संबंधित है ये बात ध्यान रखना क्लियर हो जाती है किससे है क्रिकेट से और ये हैदराबाद के अंदर आ, खेला जाता ये भी बात आप याद रखना खेला जाता है ये भी चीज आप याद रखना हैदराबाद में खेला जाता है क्लियर हो जाती है इतनी चीज आप समझ गए ये उन्नीस सौ इकतीस बत्तीस से बहुत ज्यादा फेमस हुआ और मोइन उदौला क्रिकेट से है ये भी चीज आप नोट डाउन रखोगे कभी भी नहीं भूलेगा कोई भी बच्चा ये चीज आप नोट डाउन रख सकते हो क्लियर है ना यहां तक चलिए एक क्रिकेट चैंपियनशिप है क्रिकेट से बहुत सारी हैं बहुत सारे है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप देखते हो पेटीएम ट्रॉफी भी चलती है अब तो एक है ना तो कई सारी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी आप देखते हो क्रिकेट से नेक्स्ट आता है इंडियन प्रीमियर लीग में आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को कहा जाएगा हालांकि कहा भी गया अब तो ठीक है क्वेश्चन थोड़ा पुराना है बट काम का है चलिए बताइए इसमें से क्या लगाओगे आईपीएल ठीक है आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा कह भी दिया आपको पता है ये टीम सात हजार नब्बे करोड़ की खरीदी गई थी ठीक है सात हजार नब्बे करोड़ की खरीदी गई थी आपको पता है और एक अहमदाबाद भी खरीदी गई थी ये भी चीज आप ध्यान रखना अहमदाबाद टीम भी खरीदी गई थी क्लियर हो जाए वो छप्पन करोड़ के आसपास खरीदी गई थी है ना वो छप्पन करोड़ के आसपास खरीदी गई थी और ये वाली टीम जो थी लखनऊ ये इतने में खरीदी गई थी आईपीएल के लिए तो लखनऊ वाली जो टीम थी उसका नाम क्या था लखनऊ सुपर जॉइंट्स सी इज द राइट आंसर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फेमस एक तो अभी भी एक है गया ठीक है लखनऊ सुपर जॉइंट था यह आपने देखा होगा ठीक है जॉइंट का मतलब क्या होता है मुझे बता सकते हो लखनऊ सुपर जॉइंट का मतलब क्या होता है ठीक है ये जो जॉन्ट्स है इसका मतलब क्या होता है अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो बता दोगे ठीक है ये चीज ध्यान रखोगे और इसका कैप्टन किसको बनाया गया था के एल राहुल को फाइनल नहीं जीत पाई ठीक है याद रखोगे के एल राहुल को ये बात आप ध्यान रखना इसका कैप्टन बनाया गया जो अहमदाबाद थी वो हार्दिक पांड्या बनाया गया है ना अब भाई साहब वो जीत गए ये चीज आप ध्यान रखना ये गुजरात की टीम थी ये पहली बार टीम आई और जीत गई अहमदाबाद आपको पता है छप्पन सो करोड़ में खरीदी गई थी और वो सात हजार नब्बे करोड़ में खरीदी गई थी ऐसे चीजों को आप नोट डाउन रखोगे कभी भी आपके पेपर में आएगा तो ठीक है क्लियर हो जाती है यहाँ तक सभी लोग समझ गए बहुत बहुत बढ़िया एक नंबर सभी बच्चों का ठीक आंसर है यहां तक <coughs> सभी बच्चों का ठीक आंसर है ओके वेरी वेरी गुड बहुत बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या लगता है नेक्स्ट बोलता है हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है क्या हाइड्रोजन गैस गंधहीन रंगहीन बदबूहीन कुछ ऐसी है ठीक है हाइड्रोजन आपको पता है परमाणु क्रमांक भी एक है परमाणु भार भी एक है ठीक है याद रखोगे परमाणु क्रमांक इसका एक मिलता है एटॉमिक नंबर ठीक है और परमाणु भार भी इसका एक ही मिलता है राइट है ना आपको पता होगा अब जरा बताइए हाइड्रोजन कैसी एक गैस है काली है रंगहीन है पीला है या फिर नारंगी है ठीक है हाँ जी योद्धा एक बच्चा कह रहा है योद्धा होता है जेंट्स का मतलब क्या बात है ठीक है बहुत, बहुत बहुत बढ़िया <coughs> बहुत, बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों का ठीक है एक नंबर जिस जिस बच्चे ने यहां तक दिया वेरी वेरी गुड और दीजिए इसमें से कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है यहां तक ओके बहुत अच्छा वेरी वेरी गुड एक कह रहे कलरलेस बहुत सारे बच्चे रंगीन ठीक है याद रखोगे यानी कि रंगहीन इसका कोई कलर नहीं है ठीक है याद रखोगे देखो अगर मैं तुमसे क्लियरली बताऊं हाइड्रोजन के अंदर गंध होती है ठीक है ध्यान रखोगे सीधी सीधी बात आप हाइड्रोजन के लिए एक चीज लिख सकते हो कि ये गंध होती है इसके अंदर रंगहीन होती है इसमें रंग भी नहीं है ये स्वादहीन भी होती है स्वाद भी नहीं है इसके अंदर सीधी सी बात यह ओके ये स्वादहीन भी होती है आप जानते हो ठीक है क्लियर हो जाती है यह गंध भी होती है इसके अंदर रंगहीन भी होती है स्वादहीन भी होती है परमाणु क्रमांक एक होता है परमाणु भार भी एक होता है यह भी चीज आप ध्यान रखोगे ठीक है नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्या बोलेगा भैया बोलेगा वाई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है शिव खेड़ा या फिर शशि थरूर या फिर खुशवंत सिंह या फिर अनिता देसाई देखो अगर आपसे पूछे कभी भी कि वाई आई एम हिंदू ये किसके ऊपर लिखी इसके दो पार्ट हैं बुक के ठीक है पहले आप बताओ ये किसकी है इसके दो पार्ट हैं ये बात ध्यान रखना बुक के कैसे पहले में तो भारत का ऐतिहासिक चीजें लिखी हुई हैं पहले में क्या लिखी हुई है पहले में भारत की ऐतिहासिक चीजों का बात करी गई है भारत की ऐतिहासिक चीजें लिखी गई हैं ठीक है ये चीज आप ध्यान रखना ऐतिहासिक चीजों के बारे में है यानी कि भारत का इतिहास बताया फर्स्ट पार्ट में अब जो ये सेकंड पार्ट है सेकंड में ये बताया है कि कैसे हिंदू आंदोलन के जरिए देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं ठीक है थीके? ये बताया गया है इसमें ये चीज़ आप नोट डाउन रखना हिंदू राष्ट्र के जरिए मतलब हिंदू आंदोलन के जरिए ठीक है हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है ये बात लिखी हुई है इसमें हिंदू आंदोलन के जरिए ये चीज़ आप ध्यान रखना हिंदू राष्ट्र ठीक है ये बात इसमें लिखी हुई है क्लियर हो जाता है ना तो ये इसके दो पार्ट हैं और ये किसकी है शशि थरूर की है आप जानते हो केरला के त्रिवनंतपुरम से क्या है सांसद है ठीक है केरला से कहां से त्रिवनंतपुरम से ओके ये याद रखना त्रिवनंतपुरम से क्या है यह सांसद ये भी चीज और ये किससे है कांग्रेस ओके क्लियर हो जाता है कांग्रेस से क्लियर हो जाएगा इतनी चीज आप नोट डाउन रखोगे यहां तक आप बात को ध्यान रखना शशि थरूर पहले भाग में भारत का इतिहास दूसरे में आंदोलन की बात करी है शशि थरूर की आपने बहुत सारी बुक्स देखी होंगी ठीक है कहता है प्रसिद्ध यात्री दुआरते बारबोसा किसके टाइम पीरियड में आया था जरा बता सकते हो आप लोग ये इससे मैं तुमको कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताऊ बताऊंगा जो आपके पेपर के लिए है ठीक है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है जरा बताइए प्रसिद्ध यात्री ये पुर्तगाली था अरे बात जब परचाई लीक हो गया तो अब तो कुछ बता ही नहीं है भैया है <laughs> ये पुर्तगाली था सीधी सी वादा काम खत्म करो ओके ये क्या था पुर्तगाली था ओके ध्यान रखना पुर्तगाली था सीधी सी बात ये है ये पुर्तगाल से आया था ठीक है ये था बारबोसा ठीक है क्लियर हो जाती है इतनी चीज अच्छा किसके शासन काल में आया था विजयनगर साम्राज्य में आया था ये ध्यान रखना विजयनगर साम्राज्य चल रहा था ठीक है दक्षिण में तुम नदी के किनारे उसमें वंश चल रहा था कौन सा वंश चल रहा था वंश और तुलुव वंश का कौन सा राजा गद्दी पर बैठा था वीर सिंह के बाद कौन आया था है ना वीर सिंह के बाद उसका चचेरा भाई कृष्णदेव राय आया था ध्यान रखना कौन बैठा हुआ था कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय जो सबसे बड़ा राजा माना जाता है पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंदर 1509 से लेकर 1529 तक इसका टाइम पीरियड था ठीक है क्लियर हो जाता है इतनी चीज ठीक इसकी एक बात बताता हूं इसने जो था रायचूर ये चीज ध्यान रखना रायचूर दो आब इसने अपने कब्जे में ले लिया था ठीक है ये चीज आप याद रखोगे अपने कब्जे में रायचूर दो आब को ले लिया उड़ीसा के शासक से इसने कई युद्ध करे थे ठीक है ध्यान रखोगे उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव ध्यान रखोगे प्रताप रुद्रदेव से इसने क्या करे थे बहुत सारे आक्रमण करे थे उसके ऊपर फिर एंड ऑफ द एंड अपनी बेटी की शादी कर दी थी उससे ठीक है याद रखोगे बेटी की शादी कर दी थी ठीक है क्लियर हो जाती है ठीक है अगर आपसे पूछने लगे अष्ट दिग्गज है ना ये चीज आप याद रखोगे अष्ट दिग्गज इसके दरबार में रहते थे ठीक है वो अष्ट दिग्गज कौन थे आठ दिग्गज तेलुगु कवि थे वो ये चीज आप ध्यान रखोगे तेलुगु कवियों को ये क्या कहता था अष्ट दिग्गज उनमें सबसे ऊपर कौन थे पेडन्ना ये भी याद रखोगे पेडन्ना वो सबसे ऊपर थे उनका मतलब हेड थे वो उनके ये कह सकते हो पैडन्ना ठीक है ये चीज़ आप नोट डाउन रखना ठीक है आपसे पूछ सकता है पैडन पैडब सॉरी पैडन्ना नाम के कवि तेलुगु कवि किसके दरबार में रहते थे जिनको अष्टदिग्गत बोला जाता था, था? इन्हीं के दरबार में रहते थे समझ गए इंपॉर्टेंट है ये वेरी क्लियर हो जाएगा यहां तक आप लोग नोट डाउन रखना ठीक है ये चीज आप नोट डाउन रखोगे अच्छा इतनी चीज हम समझ गए कृष्णदेव राय के बाद में ऐसे साम्राज्य गिराए मतलब बुरी तरीके से ये भी चीज़ आप याद रखना ठीक है क्लियर हो जाएगी इन्होंने एक अमुक्त वाल्यद लिखा था

अलग अलग छोटे छोटे राजा आए गद्दी पर बैठने के लिए वो सब बेकार थे ठीक है वो बेकार थे एक राम राय आया था सेनापति मतलब वो आप उसको सेनापति तो नहीं ठीक है एक नॉर्मल सा एक बोलते हैं ना जो लेखा जोखा करता है पूरे साम्राज्य का राम राय उसने सारे मुस्लिम को एक मतलब मुस्लिम चलते थे गोलकुंडा अहमदनगर बीजापुर बरार गोलकुंडा ठीक है ये सब जो चलते थे बीजापुर हो गया अहमदाबाद गोलकु गोलकुंडा बीदरबरार इन पांचों को जो है भड़का दिया अपने अगेंस्ट जब हुआ था तालीकोटा का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध तालीकोटा के युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को ख़त्म कर दिया था उन सारे पांच में से हालांकि एक नहीं लड़ा था वो चार राज्य लड़े थे और पूरे विजयनगर साम्राज्य को तबाह कर दिया ठीक है समझ गए आप लोग बहुत बड़ा युद्ध था वो देखो क्या है भाई ठीक है क्या बच्चा कहता है भाई ए ग्लेशियर बहुत अच्छा वेरी गुड ग्लेशियर जिस बच्चे ने बोला है बहुत बहुत अच्छा आंसर है ग्लेशियर वाले सभी बच्चों ने ठीक आंसर दिया जिसने से ग्लेशियर दिया सभी बच्चों का ठीक आंसर है वेरी वेरी गुड <coughs> बहुत बहुत बढ़िया एक नंबर आंसर है ग्लेशियर इज द राइट आंसर ओके चलिए बहुत अच्छा देखो लेडी ऑफ द किलोंग क्या है किलोंग नाम की तो जगह है वहां से अगर आप एक ग्लेशियर देखते हो तो वहां पे एक महिला की आकृति बनी हुई दिखाई देगी ग्लेशियर के ऊपर जो आज भी है ठीक है क्लियर है तो ये कहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर ये चीज आप ध्यान रखना ये कहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये चीज आप नोट डाउन रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या जगह है किलोंग किलोंग से अगर आप एक नजारा देखते हो तो आपको ग्लेशियर दिखाई देता है और वो ग्लेशियर पर एक महिला की आकृति बनी हुई दिखाई देती है भले ही कितनी भी बर्फ पड़ जाए बट वहां ध्यान रखोगे कभी भी वो ढकती नहीं है वो महिला ऐसे ही दिखाई देती है मतलब बनी हुई एक आकृति आप कभी कभी इंस्टाग्राम देखते हो आप देखते हो गए कहा तो महिला की एक आकृति है तो वो एक महिला की आकृति ग्लेशियर कौन सा है लेडी ऑफ किलोंग उसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर है ठीक है लाहौल स्पीति जिले के अंदर पड़ता है ये जो नाम दिया था ये जर्मनों ने दिया था ये नाम ठीक है कहां के ने जर्मन पर्वतरोहियों ने ये चीज आप नोट डाउन रखना ठीक है जर्मन पर्वत रोही ने ये नाम दिया था वो आज भी दिखता है आप लेडी ऑफ कैलॉन्ग इंटरनेट पे सर्च मारोगे आपको दिखेगा नेक्स्ट कहता है मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां पर आपको देखता है एबेस्टस पाया जाता है मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है देखो अगर हम हीरा देखेंगे तो हीरा आपको पन्ना के यहां ज्यादा मिलेगा है ना पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर लेकिन आप एबेस्टस देखेंगे जो सिर्फ एक ही जगह मिलता है वो मिलेगा आपको झबुआ के अंदर मध्य प्रदेश ठीक है झबुआ मध्य प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलता है एबेस्टस और हीरा आपको दिखाई देता है पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर नेक्स्ट आता है किसे मरणोपरांत जापान के सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द ध्यान रखोगे क्राइसेंथ्रम ये अवार्ड मिला है जरा बता सकते हो और ये जो है ये जो है फोर्थ नंबर के हैं अब जरा बताओ कैसे जिनको ये अवार्ड मिला है कहां क्या है लता मंगेशकर है या फिर ब्रैक्सटन है या फिर सिंजो आबे है या फिर जूली क्रांज है क्या लगेगा इस राइट आंसर इसमें से क्या है ठीक है बहुत अच्छा सिंजो वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिसने दिया <coughs> बहुत बहुत बढ़िया कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया है यहां तक एक नंबर ओके okay. <coughs> बहुत बहुत अच्छा वेरी वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिसने भी दिया ओके okay. <coughs> बहुत बहुत बढ़िया एक नंबर आंसर है सभी बच्चों का यहां तक ठीक आंसर दिया है बहुत बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड सभी बच्चों ने ठीक आंसर यहां तक दिया चलिए शाबाश बहुत अच्छा देखो अगर आपसे कभी भी पूछेगा कौन है सिंजो आबे है आपको पता है आठ जुलाई के दिन तकरीबन दस मीटर की दूरी से यामागामी नाम का जो वो लड़का था जिसने इनको गोली मारी थी मारी थी ना गोली दो गोली चलाई थी ठीक है दो गोली चलाई थी आपको पता है तो इन्हीं को ये अवार्ड मिलेगा और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चौथे प्रधानमंत्री होंगे आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद ये जापान के इस अवार्ड को लेने वाले कितने वे हैं फोर्थ हैं याद रखोगे चौथे वहां के क्या है ये प्रधानमंत्री हैं सिंजो आबे जिनको ये मिला है सिंजो आबे का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे ज्यादा था जापान के अंदर दो गोलियां मारी थी उसका नाम था यामागामी ये ध्यान रखना आप ठीक है यामागामी बयालीस साल का था ऐसा सुनते हैं कि ये इकतालीस बयालीस साल का था ठीक है अच्छा अगर आपको इतनी बात से सहमत हो तो इनके बारे में और एक और चीज बताना चाहूंगा 1954 के आसपास इनका जन्म हुआ था यह चीज आप ध्यान रखोगे क्लियर हो जाएगा इनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ था सिंजो आबे का राजनीतिक परिवार में हुआ ठीक है ये दो में, में सांसद चुने गए थे सबसे पहले भाई कोई भी बंदा है वो सांसद चुना गया सबसे पहले अगर वो पार्लियामेंट में प्रवेश करना है उसके बाद 2005 में ये कैबिनेट मंत्री चुने गए थे 2005 में ये क्या हुए थे कैबिनेट मंत्री चुने गए ठीक है कैबिनेट मंत्री 2006 में ये पीएम चुन लिए गए तो बहुत अच्छी ग्रोथ रेट थी भाई है ना 2006 में ये प्रधानमंत्री चुन लिए गए ठीक है फिर ये 2012 में प्रधानमंत्री चुने गए थे ये भी चीज आप नोट डाउन रखना और फिर 2014 में पीएम चुने जाते हैं जापान के सबसे लंबे समय तक पीएम थे 2014 का जो 26 जनवरी थी हमारे कंट्री की मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ये आने ये आए थे अतिथि बनके ध्यान रखना 2014 के अंदर ठीक है तो ये पहले पीएम थे ठीक है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर ये चीज आप ध्यान रखना ठीक है ये चीज आपसे पूछे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे ये चीज आप ध्यान रखोगे क्लियर हो जाती है उनके टाइम पर ये आए थे 2014 में और जब ये 2014 में कौन थे 26 जनवरी पर आने वाले मुख्य अतिथि थे ओके मुख्य अतिथि ये चीज आप नोट डाउन रख सकते हो कभी भी आपके पेपर में आए ओके क्लियर हो जाती है समझ गए ठीक है और ये मोदी के कार्यकाल में भी दो बार आए हैं ठीक है पंद्रह में और सत्रह में ठीक है दो हजार पंद्रह में भी आए हैं दो हजार सत्रह में भी ये मोदी जी से मिलने के लिए आए थे सीधी सी बात ये है ओके क्लियर हो जाती है ओके तो इनका बहुत बड़े हमारे देश के अंदर योगदान रहा है छोटा मोटा योगदान नहीं रहा है इनके बारे में इन्होंने 28 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था खराब स्वास्थ्य के कारण ये चीज़ ध्यान रखोगे 28 अगस्त 2020 को इन्होंने क्या दे दिया था इस्तीफा ये भी चीज़ आप नोट डाउन रख सकते हो ठीक है अब आप बोलोगे क्या सर ये 2006 में नहीं आए थे बिल्कुल आए थे 2006 में ये आए और हमारी संसद को संबोधित भी किया था 2006 में भी आए थे ये ओके तो इतना कुछ है इनका हमारे देश से रिलेटेड ये चीज़ आप ध्यान रखना हमारी संसद को संबोधित भी किया था बुलेट ट्रेन

तो ऐसे करके भारतीयों के पास वो टेक्नोलॉजी सिखा गई और हम लोगों ने मेट्रो आगे को स्टार्ट कर दी ठीक है है ये चीज आप नोट डाउन रखना कहता है विश्व खेल 2021 जिसे टोक्यो ओलंपिक के साथ टकराव से बचने के लिए 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया वो होगा देखो क्या था टोक्यो ओलंपिक 2021 में हो रहा था वर्ल्ड गेम भी 2021 में हो रहे थे लेकिन वर्ल्ड गेम को स्थगित कर दिया ठीक है अब वो किस देश में हो रहे थे 2021 में ये पूछा है आपसे क्या लगता है चेंगदू चीन या फिर आपको लगता है बर्मिंगम या फिर आपको लगता है कि क्या हो रहा रहा है 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 भाई ये ठीक या फिर आपको लगता इधर इधर से से लाइट पड़ रही है। मेरे को से नहीं दिख रहा। तुमको तो साफ दिख रहा होगा बट मेरे को नहीं दिख रहा है ठीक है जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे विश्व खेल दो 20, जिसे टोक्यो के अंदर जरा बताना भाई कौन बच्चा बताएगा वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक है शबाश आज तो तुम बड़े मन लगा के पढ़ रहे हो बे आज तुम्हें क्या हो गया है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया रोज तो तुम्हें बड़ी आफत लगी रहती है हर चीज की बहुत अच्छा। आ, बच्चा B, बहुत बहुत अच्छा बच्चा कह रहा है है बी बढ़िया अल्बामा राज्य यूनाइटेड स्टेट है और बर्मिंगम वहां का शहर है देखो ये बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी है तो उसको मत समझने लगना ये ये वाला इसीलिए उसने पूरा लिख के दिया है ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूज ना कर सके ठीक है क्लियर हो जाती है यहां तक ये चीज आप नोट डाउन रखना कभी भी आपके पेपर में आए ठीक है क्लियर है चलिए ये क्या है ये बर्मिंगम अलबामा यूनाइटेड स्टेट के अंदर होने वाले थे 2021 के अंदर लेकिन इनका स्थगित कर दिया इनको हटा दिया गया वर्ल्ड गेम्स को सबसे पहली बार संता क्लोरा अमेरिका के अंदर ही ये हुए थे यह भी चीज अब 11 दिन तक चलते हैं ऐसा बोला जाता है ठीक है नाइनटीन सांता क्लोरा याद रखना सांता क्लारा के अंदर ये हुए थे यूएसए के अंदर ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड गेम जो है ग्यारह दिनों तक चलते हैं तो इनको जो है कर दिया गया अच्छा आप बोलोगे सर वर्ल्ड गेम में कौन से गेम हिस्सा लेते हैं जो खेल ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेते वो वर्ल्ड गेम में लेते हैं समझ गए क्लियर हो जाती है ये चीज आप नोट डाउन रखना जो खेल ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे वो वर्ल्ड गेम में लेंगे इतनी चीज आप नोट डाउन रखना चलिए भाई नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्या कहेगा नेक्स्ट कहता है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सा मध्य प्रदेश से थे अब जरा बताना इसमें से भाई क्या लगा सकते हो कौन से राष्ट्रपति थे जो मध्य प्रदेश के थे एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर शंकर दयाल शर्मा या फिर संजीव रेड्डी क्या लगेगा एक राइट आंसर बहुत अच्छा हाँ जी चलिए <coughs> बहुत ज्यादा क्या है चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर गलत नहीं करोगे वेरी वेरी गुड <coughs> बहुत, बहुत बहुत बढ़िया एक नंबर आंसर है दीजिए इसमें से क्या लगता है एक बच्चा कह रहा है शंकर दयाल शर्मा पक्की बात है सोच लेना सोच लेना दीजिए इसमें से क्या लगेगा एक राइट right आंसर <coughs> बहुत बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का नहीं ठीक है चलिए बताइए इसमें से क्या लगाओगे बहुत अच्छा शंकर दयाल शर्मा कई सारे बच्चों का ठीक है ओके बहुत बहुत, बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर यहां तक दिया है जो भी बोले ठीक है वेरी गुड बहुत, बहुत बहुत बढ़िया चलिए भारत के निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश वो कौन सा है शंकर दयाल शर्मा अच्छा शंकर दयाल शर्मा तो उपराष्ट्रपति भी थे अच्छा एक और बताता हूँ क्या होता था 1956 में हमारे कंट्री के अंदर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था है ना 1956 के अंदर हो रहा था राज्यों का पुनर्गठन दोबारा से तो उससे पहले भोपाल स्टेट बोला जाता था उस टाइम पे वहां के मुख्यमंत्री थे यह चीज आप ध्यान रख सकते हो कौन सा बोला जाता था भोपाल स्टेट बोला जाता था तो उसके ये मुख्यमंत्री रह चुके थे ठीक है मुख्यमंत्री लेकिन जैसे ही उन्नीस में मध्य प्रदेश बनता है उसके बाद ये मुख्यमंत्री नहीं थे मतलब ये फिर मंत्रिमंडल में शामिल थे ठीक है अब ये उन्नीस से लेकर उन्नीस तक ठीक है ये हमारे प्रेसिडेंट रहे थे राष्ट्रपति रहे थे ठीक बात है भाई राष्ट्रपति रहे अच्छा इनका जन्म कब हुआ था जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी 1918 में ठीक है 1918 में जन्म हुआ था इनका और ये उपराष्ट्रपति भी रह गए थे हमारे एक बार राष्ट्रपति से पहले ही ठीक है ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे ये भी चीज आप ध्यान रखोगे राष्ट्रपति से पहले ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे क्लियर हो जाती है तो शंकर दयाल शर्मा इज द इंपॉर्टेंट पार्ट भारत का पहला जस्टिस सिटी स्थापित करने के लिए भारत का कौन सा राज्य तैयार है तो वो बोल रहे हैं कि हम पहला जस्टिस सिटी बनाएंगे वो भी कंट्री का है ना वो ये बात बोल रहे हैं अब जरा बता सकते हो ऐसा है आंध्र प्रदेश का जो आप देखते हो ना अमरावती अमरावती इसको इन्होंने बोला है कि हम इसको जस्टिस सिटी बनाएंगे ठीक है पूरे देश का जस्टिस सिटी ठीक है क्लियर हो जाती है और ये किसने बोला है जगमोहन रेड्डी ने ये चीज आप ध्यान रखना जगमोहन रेड्डी ये कौन है भाई सीएम हो जाते हैं कौन आंध्र प्रदेश के तो इसको बोला है और अमरावती आपको पता है क्या है वहां की कैपिटल ये भी चीज आप नोट डाउन रख सकते हो बड़ा शहर कौन सा इनका बड़ा शहर है इनका विशाखापट्टनम और बड़ा बंदरगाह भी वही है विशाखापट्टनम पूर्वी पूर्वी तट पर पड़ता है ये है ना ईस्टर्न साइड में पड़ता है नेक्स्ट आता है भाई बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरेबियन के साथ समूहीकृत नहीं है देखो भाई कैरेबियन कंट्री कौन से होते हैं मैं बताता हूं ध्यान से देखो आप ये आप ये वाला महाद्वीप देखते हैं इसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप राइट इसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं ना भैया और ये वाला जो आपका मिलेगा ठीक है ये जो मिलेगा ये साउथ अमेरिका मिलेगा साउथ अमेरिका महाद्वीप इसके बीच में जो ये है येरेबियन सागर पड़ता है तो ये छोटे 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 पर देश पड़ते हैं हैं बहुत सारे उनको बोलते कैरेबियन अब उसमें से जॉर्डन नहीं है वहां पे जॉर्डन को बिल्कुल निकाल दो जॉर्डन तो एशिया का है पश्चिम एशिया में पड़ता है ये तो है ना जॉर्डन तो पश्चिम एशिया का देश है तो भैया ये तीन तो है क्यूबा बरमुंडा और ये तो है बट आप इसको एक बेचारा कह रहे शु, शुभु गलत हो जाएगा ठीक है क्यूबा तो बहुत बड़ा है भैया क्यूबा तो यहाँ पे बढ़ेगा इतना बड़ा देश है यहाँ ठीक है क्यूबा की राजधानी हवाना क्यूबा को क्या कह देते हैं चीनी का कटोरा ठीक है ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो ओके तो सी को आप निकाल दोगे यहाँ से नेक्स्ट आते हैं भाई बोलता है तारीख दिलकुश पुस्तक के लेखक कौन है देखो तारीख दिलकुश पुस्तक के जो आपके लेखक है वो है भीमसेन और ये जो पुस्तक है किस पर लिखी हुई है औरंगजेब के दक्कन अभियानों के ऊपर लिखी हुई है ठीक है ये चीज आप ध्यान रखोगे औरंगजेब के दक्कन अभियानों पर लिखी हुई है ये चीज ध्यान रखना औरंगजेब ने दक्कन अभियान किए थे ना पता है दक्कन का सूबेदार बनाया था किसने बनाया था इसको दक्कन का सूबेदार आपको पता है शाहजहां ने बनाया था इसको शाहजहां याद रखना आप बोलोगे सर ये दक्कन कहाँ पड़ता है भैया हमारा ये इंडिया है ना नीचे का ठीक है ये जो हमारा इंडिया है ये वाला जो एरिया है ना सारा ये दक्कन पड़ता था नीचे दक्कन का पठार ही यहाँ है ठीक है तो औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार शाहजहां इसके पापा ने बनाया था ठीक है तो इसके दक्कन अभियानों के बारे में भीमसेन ने क्या लिखी थी तारीख दिल कुश ठीक है अच्छा तारीख दिलकुश तो इसने लिख दी बट भीमसेन को ये बराबर पगार नहीं देता था ऊपर से चिड़ता था बहुत ज्यादा भीमसेन से तो भीमसेन बोला तू तो रख अपनी धर्मशाला मैं तो जा रहा हूं बुंदेला के यहाँ ठीक है तो ये एकमात्र ऐसा था ये बुंदेला के यहां निकल लिया बुंदेला के यहां रहूंगा मस्त पगार देगा मस्त जीऊंगा खाऊंगा मौज लूंगा ठीक है ये चीज आप नोट डाउन रखना तो ये ध्यान रखना बुंदेला के यहाँ निकल पहले मुगलों के यहाँ काम किया फिर बुंदेला के यहाँ अक्सर क्या होता था कि छोटे पद की तरफ से दुनिया बड़े पद की तरफ भगती थी भीमसेन बोला हम छोटे की तरफ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट आता है नवीनतम संयुक्त राष्ट्र सदस्य दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है भाई देखो एक सौ देश बना है यूनाइटेड यु, नेशन में कितने कंट्री हैं एक सौ देश हैं तो बिल्कुल नया देश कौन सा बना है संयुक्त राष्ट्र का दक्षिण सूडान बना है उत्तरी सूडान से कटके तो उसकी राजधानी कौन सी है बंगी है या फिर बंदर सरेरी है ठीक है जरा बताओ बंदर सेरी लगता है आपको या फिर बाकू या फिर जुबा क्या एक राजधानी लगेगी बहुत अच्छा कई सारे बच्चों का ठीक है बहुत बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड कई सारे बच्चों का ठीक है जुबा इज द राइट आंसर कई सारे बच्चों ने ठीक दिया है यहां पे, ओके okay? बहुत बहुत बढ़िया जुबा इज द राइट आंसर वेरी गुड देखो तुम्हें मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं अफ्रीका महाद्वीप को आप जानते हो यहां पर एक बड़ा सा देश हुआ करता था उसका नाम था सूडान समझ गए क्लियर अब ये पूरा सूडान है यहां 21 सालों से घूसा रहा है मतलब बजरा था कोई किसी के मुंह पे मार के चला जाता था कोई किसी के मुंह पे मार के चला जाता था तो ग्रह युद्ध चल रहा था यहाँ पे अब ठीक है भाई अब ग्रह युद्ध चल रहा तो इसका बंटवारा कर दिया ठीक है अब जब यहाँ पे बंटवारा हुआ तो ध्यान रखोगे इक्कीस सालों का गृह युद्ध खत्म हो गया और यहाँ का कौन सा देश बन गया ये चौवनवा अब इस महाद्वीप कर कितने देश हो गए हैं चौवन देश हो गए हैं और यूनाइटेड नेशन का एक सौ तिरानवा देश बन गया यूनाइटेड नेशन का ये बिल्कुल नया देश बना है है ना यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता दे दी तो याद रखोगे इसकी राजधानी जुबा है ठीक है बोलो जुबा केसरी ठीक इतनी चीज आप यहां से नोट डाउन रख सकते हैं क्लियर है इतनी चीज समझ गए ये आप नोट डाउन रखना कभी भी आपके पेपर में आए पूछेगा बस इतना ही कि कौन सा नया देश बना है कौन सा नहीं बना ज्यादा तो यू पूछ लेगा कौन से ईयर में बना दो में बता देना भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है जरा बता सकते जहां सबसे बड़ी चर्च है वही है भूमि संदर्भ के क्षेत्र में और पता है सिर्फ कितना एरिया होगा उसका ठीक है उसका एरिया है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फोर्टी फोर किलोमीटर स्क्वायर ठीक है फिर एक दूसरा है उसका है टू पॉइंट जीरो टू किलोमीटर स्क्वायर फिर एक दूसरा है उसका है इक्कीस किलोमीटर स्क्वायर अब जरा बताओ इनमें से किस किस का लगेगा ठीक है क्या लगता है भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा वह नोरू नोरू ऑशेनिया का सबसे छोटा है भैया ठीक है नोरू नहीं है ओशेनिया का ओशेनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और फिर नोरू सबसे छोटा है वो ओशेनिया महाद्वीप का है ओशेनिया महाद्वीप में आता है ना ऑस्ट्रेलिया तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा हो गया और नोरू सबसे छोटा हो गया लेकिन आपसे पूछा है विश्व के अंदर बताओ जहां सबसे बड़ी चर्च है बहुत अच्छा वेटिकन सिटी एक नंबर कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है वेरी वेरी गुड सब बच्चों का ठीक है वेटिकन सिटी इज द राइट आंसर यही है जो सबसे छोटा है यहां पर सबसे बड़ी चर्च भी है ये भी चीज आप ध्यान रखना ऐसा बोल देते हैं वेटिकन सिटी को कि पोप का निवास स्थान है ये सबसे बड़ी चर्च ओके चर्च हो गई यहाँ सबसे बड़ी ठीक है भाई पोप का निवास स्थान इसको बोल देते हैं पोप का निवास स्थान देखो इनके लोग सारे पढ़ने इटली जाते हैं इनके यहाँ तो कुछ है नहीं ठीक है बहुत छोटा सा देश है ये चीज ध्यान रखना ही। ये सब इटली जाते हैं पढ़ने के लिए इटली से इनका बॉर्डर टच हो जाता है ठीक है पोप का निवास स्थान ठीक है आप बोलोगे फिर सर यह किसका है यह है मोनाको का ध्यान रखोगे यह मोनाको का एरिया और यह जो 21 देख रहे हो यह आपके नोरू का तो नोरू भी काफी बड़ा है नहीं तो थोड़ा सा यह 21 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के आसपास ठीक है यह चीज आप नोट डाउन रख सकते हो यह है टॉप थ्री कंट्री आपके इन द वर्ल्ड निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था इसको मुझे तुम होमवर्क के तौर पे घर से बता देना ठीक है मैं आपको ठीक है मैं आपको एक बार देख लेना कि आज नौ बजे वाली होगी या नहीं होगी एक बार देख लेना क्योंकि यहां पे आज मैराथन होगी तो कुछ भी जुगाड़ करूंगा अगर हो गया तो ना हुआ तो फिर तो आप कल को मिलूंगा फिर वहां में ठीक है कल को मिलूंगा मैं फिर संडे को उस पर ओके तो तब तक के लिए यह है तुम्हारी क्लास और मैं पांच बजे फिर मिलूंगा यहाँ पर मंडे को एग्जामपुर पर ठीक है पांच बजे यहाँ पे आपकी क्लास में इसी में तो थैंक यू इसका मुझे बता देना सीधी सी बात है इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हो देखो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया कब भाई पहला ब्रिटिश युद्ध हो गया आंगल आंगल और सिखों का युद्ध हुआ था पहला ठीक है फिर दूसरा हुआ अट्ठारह सौ अड़तालीस में राइट ठीक है अट्ठारह सौ अड़तालीस और उनचास में हुआ था याद रखना दूसरा दूसरा आंगल सिख युद्ध अब आप जरा सोचो आंगल मतलब अंग्रेज और सिखों का युद्ध पूछ रहा है दूसरा आंगल सिख युद्ध तो इस टाइम पे कौन था डलहौजी था ठीक है ऑब्वियसली डलहौजी का टाइम पीरियड था अठारह से लेकर अठारह के बीच का तो आंसर क्या होगा यही होगा डलहौजी हो तो ध्यान रखो दो ही आंगल सिख युद्ध हुए थे अंग्रेजों और सिखों के बीच में दो ही युद्ध हुए थे उसमें से दूसरा जो था वो अठारह सो के बीच में हो गया था और पूरी तरीके से अब कंपनी के अंदर आ गया था ध्यान रखोगे पंजाब क्लियर हो जाता है इतनी चीज़ तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलौजी डलौजी के बहुत सारे काम थे दूसरा आंगल बर्मा युद्ध भी इसी के टाइम पर हुआ था ठीक है बर्मा यानी कि म्यन्मार दूसरा आंगल बर्मा युद्ध इसी के टाइम पे लोअर बर्मा और पेगु अपने कब्जे में ले लिया था लोअर बर्मा और पेगु वाला एरिया अपने कब्जे में ले लिया था इसी ने यह भी चीज़ आप नोट डाउन रख सकते हो डाकघर अधिनियम इसी के टाइम पे आया था राज्य अड़प की नीति नहीं, नहीं भाई साहब ने लगाई थी बहुत सारी चीजें इनसे रिलेटेड तो ये है तुम्हारी चीजें आप मुझे अब इसका घर से आंसर बताओगे किस किस भारतीय क्रिकेटर ने ओडीआई आईसीसी की ओडीआई गेंदबाजी रैंकिंग 2022 में नंबर एक रैंकिंग हासिल की है अभी ठीक है ये रिसेंटली खबर है ये मुझे तुम होमवर्क के तौर पर बताओगे तो थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय एक बार आप एस चेक कर लेना वहाँ पर आपके दिल्ली पुलिस के क्लासेज चल रही है तो हम तक के लिए थैंक यू सो मच ओके बाय